बच्चे परमेश्वर के सन्मुख अपने हाथों उठा के परमेश्वर के हजूर प्रार्थना करांगे। असी सब जन सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु और दयालु पिता, तुहाडी कृपा जो साडे जीवन च होई आ असीं उहदे लई तुहाडा थैंक्स करदे हां, तुहाडा धन्नवाद करदे। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, असीं मंगदे हां तेरा मसा इस जगह ते आए, तेरा जलाल इस जगह ते आए, तो इस जगह नूं परमेश्वर अपनी महिमा दे नाल भर चुका। मेरे खुदावन परमेश्वर सचमुच तुसीं अज इस दिन दे विच परमेश्वर अपने जलाल नूं इस जगह ते प्रगट कर चुके जो, वड्डे चिन्ह चमत्कारां नूं प्रगट कर चुके जो पिता। जिन्ने भी लोग जिन्नी भी कलीसी आई आ, हर एक दे दुख नूं दर्द नूं हरेक इंसान नूं अज परमेश्वर छुटकारा दे चुके जो आप, अज छुटकारा दे चुके जो आप मेरे खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर अजो तेरे दास दे द्वारा वचन आए और साडियां जिंदगियां नूं बदल के रख दे मेरे यहोवा परमेश्वर, और तेरा वचन साडी जिंदगी दे विच जगह पाए मेरे यहोवा परमेश्वर, सचमुच साडे जीवन दे विच जगह पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर असीं तेरे वचन नूं सुन के उसके उपर चलण वाले बन जाइए मेरे यहोवा परमेश्वर। अपनी मिनिस्ट्री नूं बहुत सारा फलवंत कर चुके, आशीष कर चुके जो पिता, साडे मनां नूं साडे दिलां नूं और भी अपने लिए परमेश्वर खोल चुके जो पिता। असीं अपने घराने अपने बिजनेस अपनी फैमिली दे विच हर एक गल दे विच परमेश्वर तुहानूं पहल देण वाले बन जाइए परमेश्वर। कोई भी चीज़ सानू तेरे प्रेम तो अड ना कर सके मेरे यहोवा परमेश्वर। साड़ी जीवन दे विच ऐसी सामर्थ नूं प्रगट कर चुके जो पिता। परमेश्वर वर्शिप टीम नूं असीं तेरे जलाली तेरे पाक हत्थां दे विच दिंदे आ पिता। हर एक नूं तुसीं संभाल के रख चुके जो परमेश्वर, उहनां दे गाउण दा मसा उहनां नूं दे चुके जो पिता। उहनां नूं सुर और ताल दे विच परमेश्वर उहनां दे मुँह तों सचमुच जो असीं तुहाडी महिमा नूं करन जा रहे हां ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੁਲਵੰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ, ਔਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੇਗੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਮਨ ਵੇਖੇਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੇਗੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਮਨ ਵੇਖੇਗਾ। ਪਾਕ ਕਲਾ
निर्मल नजर देखेगी खुदा निर्मल मन देखेगा मेरे।
जोर से प्रभु का स्वागत करें उसकी महिमा के लिए। परमेश्वर प्रभु परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं। हेलो 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 प्रभु परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं इस वर्शिप सॉन्ग के लिए। रुका मसा Ah!
से मन से अगर आप प्रेम करते हो खुदा से अपने हृदय को खोलो चाहते हैं कि मेरे जीवन के ऊपर भी परमेश्वर की रूह का मसा आए। कितने लोग चाहते हैं? सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा कि जो मांगेगा उसे दिया जाए, जो मांगेगा नहीं उसे मिलेगा। जब तक आप शांत रहोगे, जब तक आप अपने आप को रूह और आत्मा से भरना नहीं चाहते, तब तक खुदा का आत्मा भी आपको छुएगा नहीं। क्या नहीं करेगा? खुदा का आत्मा आपको छुएगा। इसलिए प्रभु ने बोला जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है और जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। बोलो क्या है? जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, जो आत्मिक हैं वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस जी ने कुरिन्थियों के लोगों को कहा, हम आत्मिक बातों में आत्मिक बातें मिला मिलाकर लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं इस जीवन के सत्य का, सच का, कि वो समझ सके, वो जान सके कि उस सच्चे खुदावन परमेश्वर का जो लव, जो उसने प्रेम किया वो क्या है, वो हरेक के जीवन में प्रकट हो जाए। जैसे कुरिन्थियों के लोगों में, कुरिन्थियों की पत्री में बहुत सी चीजें हैं समझाने के लिए। उसकी 1:18 में लिखा, यूहन्ना 1:18 में यूहन्ना ने कहा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने, आपने किसी को परमेश्वर ने देखा? आपसे किसी से बोलो, आपसे किसी ने भी परमेश्वर को देखा? बताओ आपसे किसी ने परमेश्वर को देखा आज तक? हाथ खड़ा करो जिसने देखा। क्या देखा था? ये
नहीं ये माइक माइक लेकर जाना, माइक उनके पास माइक लेकर जाओ, जाओ उनके पास, अब जाओ जाओ, नहीं ऐसे साथ जाओ, साथ जाओ उनके माइक। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, तो मेरा कई दिन का शरीर बहुत ही जुड़िया ही, तो बड़ी दर्द होंगी शरीर में, तो अज जो वर्सी भी ना मैं चिट्टे कपड़े परमेश्वर ने वेख्या, मैं खोल के पता नहीं की होया, हूँ बिल्कुल शरीर मेरा हौला हो गया, बड़ी मेरे दर्द होंगी जोड़ा च लत्तां च, मैं कोई हिलिया नहीं जाता, अज परमेश्वर ने मैं दर्शन दिए, मेरा शरीर बिल्कुल हौला हो गया, जोड़ा मैं मेरी गर्दन झुकती नहीं, यह भी मेरी वधिया हो गई, शरीर से भार नहीं पैंदा, यह भी भार पैन डे पा, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कर दी दिल तो ही। तो कैसे हम देख सकते हैं परमेश्वर को, बोलो कैसे देख सकते हैं, क्योंकि खुदा वन सच्चा परमेश्वर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, पर लोगों को परमेश्वर ने इस दुनिया में दिखाने के लिए एक मनुष्य का रूप लिया, किसका रूप लिया, ताकि वो हरेक काम को मनुष्य के जैसे करके दिखाए, जैसे आप सब कुछ नहीं कर सकते। आज मैं बताने वाला हूं, आज का वचन परमेश्वर के स्वर्ग के मसा से भरा है, जीवनों को बदलेगा, आमीन। ये खुद की प्लानिंग का नहीं, आज हम सुनेंगे कि परमेश्वर कैसे जीवनों को बदलता है। इसलिए प्रभु ने बोला, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, जो इकलौता उसकी गोद में था उसने उसको प्रकट किया। अगर आप भी उसकी गोद में हो, उसकी शरण में हो, जैसे दाऊद बोलता है कि यहोवा मेरी पनाह, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान है, क्या है मेरी शरण स्थान, अगर सच में आपकी पनाह, आपकी शरण स्थान उस खुदावन में, उस परमेश्वर में, तो अपने जीवन से आप परमेश्वर को प्रकट करोगे। और मैं आज बताऊंगा कैसे परमेश्वर प्रकट होते हैं हमारे जीवन से। इससे पहले हम पूरे रूह और आत्मा से परमेश्वर से भरेंगे, चाहे कोई आज फर्स्ट टाइम क्यों नहीं आया, वो मांगे खुदा को, जो उसकी सच्ची हजूरी है, जो उसका सच्चा तख्त सजा हुआ है, आज उसका सच्चा तख्त आज सजा हुआ आपके बीच में, अब सब आज मांगे उसके प्रेम को, आज खुदावन परमेश्वर आपको चुने वाला है, जो दिल और रूह से आत्मा से अपने आप को भरकर बैठे उनके जीवन में आज आने वाला है परमेश्वर, और फिर देखेंगे कैसे आप भरते हो अपने आप को इस वर्शिप सॉन्ग में, जाएंगे और पूरे रूह और आत्मा से अपने हृदय और मन को खोलेंगे। मैं देखता हूं कैसे आप भरते हो, मैं देखना चाहता हूं मेरे बोलने से पहले आप कितना उस खुदा को लव करते हो, क्योंकि बुद्धिमान को बातें उसको बताने की कुछ जरूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ समझ लेता है कि मैंने कैसे रूह और आत्मा से भरना है। हल 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 जलाल है तू, जलाल है, जलाल है तू, जलाल है, नबियों में तू सबसे बढ़कर, नबियों में तू सबसे बढ़कर, कुदरत तेरी कमाल है,
जलाली है तू जलाल जलाल है जिसके जीवन में उसका जलाल है, वो अपने आप में उस खुदा का हो जाता है। इसलिए मांगे आज उसके जलाल को, उसके प्रेम को मांगते रहे। ये वर्षिप सॉन्ग आपके जीवन को रूह और आत्मा से भरने वाला है, आपका जीवन आज बदलने वाला है, चेंज होने वाला है इस वर्षिप सॉन्ग का। Thank you.
I'm not afraid.
हालेलुया हालेलुया तारीफ करेंगे दिल से और रूह से। ऐसे खड़े रहें और अपने आप को अपने जलाल में उस खुदा के प्रेम में बरते रहें। हम और वर्शिप सॉन्ग में चाहेंगे। जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी कौन, जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी कौन, जदों परमेश्वर मेरे वल मेरा विरोधी कौन, जदों परमेश्वर मेरे वल
सच्चा खुदावन सबदी वालिया सबदी वालिया परमेश्वर ओदी निगाह की सब वालिया के एक जां दो जां दस वालिया बोलो सबदी वालिया पक्की गल है घबराओगे तो नहीं आतन कुछ देना पैना बोलो कि देना पैना अज उस खुदा नू अज तुहानू कुछ देना पैना है दे सकते हो दे सकते हो अज तुहाडे सारयां दी अज एक एंबूलेंस आने वाली आ तुहाडे सब दी एक खून की बोतल तुहानू कढ़ानी पैनी बोलो गया सब कढ़ाओगे सब कढ़ाने दे लई तैयार है पक्की गल आ अज मैं दसांगा कि कहना और करन विच की फर्क है बोलो कहना ते करन विच की कई लोग सोच रहे मेरा तो अगे ही उन्ना कि मैनू तो आप लोड़ है कि है मेरे कई लोग सोच रहे बेचारे खड़े खड़े कई कहते मैनू तो जो आप लोड़ है तो जो मेरा मेरा कट लिया तो मैं तो इतों इतने रह जाना है पर जाणो सच्चे खुदावन उस परमेश्वर के प्रेम जिन्हें अपना ब्लड अपना लहू दे के तुहानू खरीदिया बोलो की किया अपनी कीमत नू अपने आप नू जानो अपने आप नू जानो राखा मेरी जान दा मेरे ईमान दा राखा मेरी जान दा मेरे जे ईमान नहीं आ जे विश्वास नहीं आ तो की फायदा बोलो राखा तादी बन गया बनेगा जे तुहानू ईमान आ उहदे उत्ते विश्वास आ कि उह मेरे लिए सब कुछ करेगा बोलो की करेगा करेगा कि नहीं करेगा जो तुम सोचते हो मंगते हो उस तो भी कई गुना ज्यादा करने वाला कौन है बोलो कौन है कि नहीं जो तो परमेश्वर मेरी वाले है तो मेरा विरोधी एक सी शैतान ओदी खुंभ यीशु थपती होर जे कोई उठेगा ते फिर रब वेख लेगा तुसी क्यों चिंता करते हो बोलो उन्हें करन दो अपना काम बोलो कि आ उस खुदा नू अपना काम करन दो तुसी अपनी सिर्फ उन्हें शरण स्थान बनाओ अपने जीवन दे उदे च पना अपने जीवन की पना लो उदे विच और जियो दे लई वो सब कुछ करन दे लई त्यार बर त्यार है बोलो कि आओ त्यार बर त्यार है इसलिए मैं कहा कि कहना और करन विच की है फर्क है अज मैं दसांगा उस फर्क नू तुहानू सिखावांगा ताकि तुहानू चंगी तरह समझ आ जाए सब बैठ जावांगे अपनी जगह सब बैठ जावांगे गर्मी का मौसम है मतलब की आ गर्मी आ सबनू लग रही गर्मी पर उस नरक की अग की गर्मी नालों बहुत थोड़ी है बोलो की आ उस नरक की अग की गर्मी नालों की आ गर्मी बहुत थोड़ी है बहुत थोड़ी पर जिन्हों नहीं पता
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਐਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਆਪਣੀ ਗਵਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਇੱਕ, ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਸਤੇ ਸਾਮਰਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 500 ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, 600 ਸ਼ੂਗਰ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਪਰ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤੇ ਕੋ ਜਾਣੋ, ਔਰ ਸੱਤੇ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਰ ਹਰੇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਬਸ ਇਸ ਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਜੋਰ ਸੇ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਰ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ।
डेढ़ साल तो। समझते हो इस गल नू लेडीज लोग अच्छी तरह समझ सकते कि साडे शरीर का जो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया इस कोई शर्म वाली गल नहीं है बोलो क्योंकि साडी बॉडी का जो सिस्टम आ परमेश्वर ने बनाया किसी मनुष्य ने नहीं अगर नहीं उस तरह तो बीमार हो सकती दी हालत खराब हो सकती है शरीर च फलावट आ सकती कुछ भी हो सकता बस अच्छा खुदावंत परमेश्वर दुनिया का मालिक जो इस दुनिया नु रचन वाला है चाहे कैसा भी कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो बोलो किया उदे लिए कुछ भी नहीं पर जे उन्हें समझ आ जाए बोलो किन्ने लोग इस संडे तो पिछले संडे आए से मैं दसिया सी कि लोग मसीह विच लंबा सफर क्यों करते हैं पता ना दसिया सी कि नहीं दसिया सी कि लोग मसीह विच लंबा सफर क्यों करते जो समझते नहीं किन्ना चिर हो गया इस बेटी ने ऐसा कहते आंदे एक महीना सिर्फ एक महीना बोलो किन्ना एक महीना कि लोग लंबा सफर करते साल साल दो दो साल मैं भी अपने जीवन किसी भी मसले च लंबा सफर नहीं किया मैं बोलो कि नहीं किया मैं लंबा सफर नहीं किया समझ हो अजकल की गल है दस रहे से मैं किसी फैमिली दे असं उन्होंने इनवाइट किया अज की मीटिंग साढ़े लिए खास आ सबनों मैसेज मिले ना सबनों मैसेज मिले से कल शाम अज की मीटिंग खास है थोड़े लिए बहुत खास है सब तो पहला तो परमेश्वर की आत्मा ने दसिया कि भाई लोगों के जड़े साढ़े भाई ने जड़े कम्मां कारां च संसार की चीज़ च फसे ने परमेश्वर की आत्मा ने मैनू दसिया कि उन्होंने मैसेज दो कि मेरी हजूरी विच जुड़न नहीं तो कुछ भी हो सकता शायद फिर भी कई लोग पहुँचे नहीं बोलो की आ पर जो लोग प्रभु की गल नू हल्के विच लेंदे ने कि लेंदे ने बोलो हल्के विच लेंदे ने नाश का कारण भी उही बनते हैं इसलिए परमेश्वर की किसी भी गल नू हल्की च ना लो कि ना लो किसी भी गल नू हल्की च ना लो जो नहीं लेगा वह पाएगा जिवें इस बच्ची ने सिर्फ एक महीने के अंदर अपनी उस हीलिंग नू चंग्याई नू किदे कोलों पा लिया मतलब किदे कोलों पा लिया और सब नू देना चाहता आमीन और जोर से तारीफ करेंगे प्रभु जी जोर से प्रेरित जी नाम सोनिया और पिन वान खारा दे रहने वाले ने यह दसते पे ने कि इन्हों की बेटी नू हर रोज़ बुखार रहिंदा सीगा और नाल दी नाल खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी और इन्हें बहुत सारी मेडिसिन ले लेकिन कितों भी आराम नहीं आ रहा सीगा और प्रेर जी जो तुहाडे नाल गल हुई तो इन्हों परमेश्वर ने सिखाया कि अगर तुहाडे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ अगर तुसी अपने जीवन च कोई पाप किया तो उसकी माफ़ी मंगो क्षमा मंगो परमेश्वर को और मंगो कि परमेश्वर अगर ये बेटी के जीवन च बुखार की प्रॉब्लम करके कोई वड्डी महिमा प्रगट होने वाली आ तो तुसी कर चुके हो तो ये दसदे पए ने कि जदों ही असीं इस तरह प्रार्थना की और जदों पहले प्रार्थना करते तो बेटी उस वे रोन लग पी सी प्रार्थना भी नहीं कर देंदी सी और जिस दिन ही इन्होंने इस तरह प्रार्थना की और परमेश्वर ने इन्होंने ब्लैस कर दिता सामर्थ्य योजना नाम के प्रेरित जी इन्हों परमजीत कौर या मक्खन मिंडी तो आए हैं और प्रेरित जी ने दसिया है कि इन्होंने गुप्त जगह से रसौली से और उस रसौली एक साल हो चलिया और उस रसौली की प्रॉब्लम के कारण इन्हों पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा दिन रेंदे से अठ अठ दिन भी रह जाते बहुत ज़्यादा परेशान से और इन्होंने अजे तीन सत्संग होए आंदियां और जो पिछले संडे सत्संग आए मखण मिंडी तो और इन्होंने अजे तीन सत्संग होए और पिछले संडे जो प्रेर जी संगति से आए थे और थोड़े मुख तो हीलिंग्स हो रही थी कि अज खास करके रसौलियाँ और पत्थरियाँ वाले फ्री हो चुके हैं तो परमेश्वर ने उस दिन तो यीशु मसीह के नाम से रसौली तो इन्हों फ्री कर दिता वा और जो इन्होंने प्रॉब्लम से पीरियड की उतो भी परमेश्वर ने इन्हें एकदम आज़ाद कर दिता वा और कहें कि परमेश्वर ने मैनू शिफा दे दी आ और अजे इन्होंने तीन सत्संग होए और प्रेर जी अजे थोड़े मिले भी नहीं आ
और परमेश्वर ने इन्हां दे जीवन च जो काम किया इस गवाही लई परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करदे यीशु मसीह दे नाम च। सुनो 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 सुनो, सच्चा खुदावंत परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। कई लोग अपने स्वभाव अपनी आदत नु बदल दे नहीं, बोलो किया शायद वो सोचते उदा ही बोलन दे नहीं। बोलो तुहाडे लई कौन बोलता, बोलो कौन बोलता है। और जो लोग मन तो रिसीव कर दे, अज तक मेरे नाल कोई गल भी नहीं हुई, पर मैनू मिलने नालों ज्यादा बेहतर है कि जो मैं बोल रहा जो मैं दस रहा उन्हां गल्लां दा विश्वास करो, उन्हें अपने जीवन च लो। कई लोगों की आदत है, कई लोग परेशान होंगे मैं समाप्ति तो बाद मैं फिर दसा कि मैं कितना परेशान है, मैं कितनी परेशान है। समझ मिलना अच्छी गल, मैं नहीं कहता मिलना अच्छी गल नहीं, पर उस तो भी ज्यादा वधिया गल आ जो परमेश्वर तुहाडे लई बोल रहा है तो उस समय अपना मन पूरा किनू दे, क्योंकि वो तो उदो उस समय ही करने के लिए किया तैयार है, पर तुसी लेने लिए तैयार नहीं होंगे। ये बड़ी गवाही के लिए बड़ी महिमा करेंगे दिल से रूह से। तो प्रेरित जिन्हां दा नाम राजू और मालूवाल दे रहन वाले ने, ये दसते पे ने कि इन्हों के दंदा में बहुत दिन तो दर्द सगा, मैडिसन लेकिन आराम नहीं आ रहा सगा। और प्रेरित जी तुहाडे मुक्त परमेश्वर ने बोलिया कि जो दंदा के रोगी ने वो चंगे हो रहे हैं, इन्होंने रिसीव किया कि परमेश्वर मैं अज फ्री हो चुका, मेरी दंदा की प्रॉब्लम जा चुकी आ, और इन्होंने विश्वास किया और ये दस रहे हैं कि उस दिन तो ही परमेश्वर ने मैं आजाद कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मनदीप आ और वल्ले तो आए आ, और इन्हें दसिया कि इन्हों के घर का बिल बहुत ज़्यादा होंदा सी क्योंकि ये जॉइंट फैमिली सी, और इन्हों के घर में बिल कारण झगड़ा भी हो जाता सी क्योंकि इन्हों की फैमिली के जो दूसरे मैंबर से उन्होंने बोल दे कि थोड़ा ज़्यादा मतलब समान चलता वा, जो भी घर में इलैक्ट्रॉनिक चीज़ा वरतते हैं और तुम ही बिल पे करो, और बोलते सके परमेश्वर तुम जानते हो सब चीज़ों की सानू जरूरत है तुहाडे वल्लों और असी वरतनिया वा। तो कई बार कहें कि साढ़े घर में बिल कारण झगड़ा भी हो जाता सी, और इन्हों का बिल काफ़ी हमें एक मतलब एक दूसरे को कहें कि तुम ही पे करो असी नहीं करना, तो काफ़ी बढ़ गया 30,000 बिल हो गया सी। और जो इस बार ये पे करने वास्ते गए और आ वाला जो इस मंथ का बिल आया तो वह भी ये पे करने वास्ते गए, तो जो बिल जिते बिल तार दे और उन्होंने बोलिया कि थोड़े जो बिल तुम तारना है जो 30,000 तो प्लस थोड़ा बकाया 17,000 रुपया बचता वा, और हुण जदों भी बिल आएगा तो उसे बिल उतार नहीं होना क्योंकि जोड़ा 17,000 बकाया बचता वा वो ही असी थोड़ा बिल कट लाँगे। और ये स्लिप भी लैके आए हैं, और कोई भी स्लिप चैक कर सकता कि ये ते प्लस बकाया जो 17,000 आ, क्योंकि इन्होंने सोचा भी नहीं सी कि जो 30,000 असी देन गए हैं वो साडा बकाया बचता भी आ। तो इन्होंने जो परमेश्वर अगे प्रे करते रहे सी तो उन्हें कहते कि सानू बिल उतारन की कोई जरूरत नहीं आ, साडा बिल जो कि हुण अपने आप ही उन्होंने कट लिया करना वा। और इस वड्डी गवाही लई परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। बोलो की नहीं कर सकता परमेश्वर, बोलो किहड़ा काम नहीं कर सकते, बोलो किहड़ा काम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। तो फिर सानू की करना पैना, कम से कम उसकी तारीफ तो करें दिल से। तो प्रेरित जी इन्हों परमजीत और मान खैरे के रहने वाले ने दसते पे ने कि इन्हों का बेटा सत्संग नहीं आता सीगा, और ये हर रोज़ प्रार्थना करते कि परमेश्वर तुम मेरे बेटे नूं ले जा चुके हो, और ये दसते पे ने कि मैं हर रोज़ मंगती सी अपने बेटे के लिए और वो आता नहीं सीगा, और हर संडे ही सत्संग आन तो पहले ही प्रार्थना करते सी, और ये दस रहे ने कि मैं अज भी सवेरे प्रार्थना की कि परमेश्वर निश्चय अज मेरा बेटा तुहाडे संगति में जा चुका है, और इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने इस तरह ही किया अज इन्हों के बेटे को परमेश्वर लैके आया यीशु मसीह के सामर्थी नाम के। तारीफ करांगे परमेश्वर जोर से जोर से। Thank you.
तो प्रेरित जी ये दसते पे ने कि इन्होंने वीरवार लेकिन आए तो सी लेकिन लेट आए सी लेकिन घरों ही बोल कह के परमेश्वर असी भी तुहाडे वचन नूं सुन पाईए असी भी प्रार्थना करवा पाईए और ये दसते पे ने कि जदों आए तो उस तरह ही आया जे प्रार्थना हो रही सी और मेरे उत्ते प्रार्थना हुई और मैं उस दिन तो बिल्कुल वधिया हो चुकी यीशु मसीह दे नाम दे विच। प्रेर जी इन्हों ना किरण या भगवान तो आए हैं और इन्होंने दसिया कि इन्हों के पति अज तो एक हफ्ता पहला रात उन्होंने बहुत ज़्यादा सिर दर्द हुई और उन्होंने सारा शरीर भी कहें कि मैं ठंडा पै गया और उन्होंने घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी और इन्होंने दसिया कि एक बजे का टाइम से और अभी पूरे बहुत ज़्यादा कंडीशन के हालात हो गया उन्होंने उत्ते और कहते कि असं परमेश्वर अगे रखिया कि परमेश्वर तू ही साढ़े नाल प्रे बने रहे परमेश्वर ना और इन्होंने मॉर्निंग टाइम प्रेर जी इन्होंने प्रे करवाई और कहते कि 5 मिनट के बाद जब असी प्रे करवाई तो परमेश्वर ने उन्होंने उस समय इन्होंने चंगे इन्होंने पति को चंगा कर दिता जो कि इन्नी वड्डी कंडीशन ही और कहते कि अगर असी परमेश्वर विच ना आते तो सानू उस समय हो सकता है कि हॉस्पिटल भी जाना पैंदा पर परमेश्वर साढ़े नाल सी और कहते सानू परमेश्वर ने उस समय शिफा दी और इस अगवाई लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर से। तो प्रेर जी इन्हों प्रीत और पिंड मान खैरा के रहने वाले ने यह दसते पे ने कि इन्हों की बेटी रोज़ रोंदी रिजदी सी और रोन के कारण ही यदा रंग पूरा काला हो ही जा रहा है और प्रेर जी तुहाडे मुख तो परमेश्वर ने बोलिया कि अपने पापा की माफ़ी नू मंगो और इन्होंने जो माफ़ी नू मंगया और परमेश्वर ने इन्हों ब्लैस कर दिता इस मसीह सामर्थ्य नाम ने सचे के प्रेर जी इन्हों चरणजीत कौर लद्देवाल तो आए हैं और इन्होंने दसिया कि परमेश्वर ने इस गर्मियों में कहते जो हर वारी गर्मियाँ आदियां सी तो इन्हों गर्मियों में बुखार और लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती सी और गर्मियों में कोई काम भी नहीं सी इन्हों को करता हों और इस बारी कहते कि परमेश्वर की बड़ी वड्डी कृपा वा साढ़े ते कि इस गर्मियों में कोई कभी भी कहते मैं बुखार नहीं होया और ना ही कहते लूज मोशन की प्रॉब्लम ही आई आ हर गर्मियों में होंगी सी बोलो हाँ जी हर गर्मिया हर साल जो भी गर्मी आती सी इस बच्ची नू लूज मोशन और की हो जाता सी बुखार हो जाता सी पर इस गर्मिया च इनू होया नहीं पर इस तो अगे दसो अगे की होया अगे बोलो और प्रेर जी दसते पे ने कि मैं पहला बहुत ज्यादा अधिकार विच आ और प्रभु ने मैनू शिफा दी आ तो इस गवाही लिए परमेश्वर दा सुनो सुनो शायद ने बच्ची ने पूरा नहीं लिखाया पर इस गर्मियां च लूज मोशन ते बुखार क्यों नहीं होया पर इस क्यों क्योंकि इस गर्मियां दे विच इन्हें अपना मन अपना जीवन पूरी रीति नाल किन्नू दिता देखो इस बच्ची ने पवन बन रहा प्रभु दा बन रहा ना इस बच्ची ने मेहनत करके झोना लगाया प्रभु दे भवन दे लई सेवा दे लई समझ 7000 रुपया कमाया किन्ना 7000 कमाया और 7 दा 7 ही किन्नू दे रही है कैसे ना करे काम प्रभु बोलो कैसे ना करे प्रभु काम बोलो कैसे ना करे वो कैसा परमेश्वर उन्हें समझो दिल करदा किसे दा पूरा दिन खून पसीना बहाना पूरे और उस तो पहला तो शायद मैं पहला भी दसिया जी ना कि इसे बच्ची ने परमेश्वर दे पवन दे लिए कम्मा दे लिए बोलिया सी कि अगर मेरे को क्योंकि बीमार रहिंदी सी है ना मतलब घर का सिस्टम नहीं सी खुद कमा के परमेश्वर कुछ दे सके पर दा मन से प्रभु नु देन दा और एक समय कहती सी मैं अपनी किडनी भी मैनू वेचनी पवे तो मैं कड के प्रभु दे भले काम दे लिए भवन की सेवा ले जावां वो तैयार आ बोलो की आओ वो तैयार आ पर तुहाडे कोल किन्ना कम्मा ने अज मैं तुहानू सच्ची अज मैं तुहानू सच्ची मैं इस संसार विचों मैं तुहानू दस दिना जो परमेश्वर ने मैनू दस्या आ
कि इंसान की सब तो वड्डी प्रॉब्लम इस दुनिया च पैसा जी। बोलो की जी, इंसान की सब तो वड्डी प्रॉब्लम की इस दुनिया च पैसा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुसी तो बहुत हर एक बंदा तो बहुते चो देंदा है, पर इन्हें जो कमाया उन्हें सब कुछ दिता और उस खुदा ने जीवन भी दिता तो लैके भी कभी रखता नहीं। मैं जानता मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर, और थोड़ी देर बाद थोड़े समय बाद क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जो जीवन नहीं है तो कुछ नहीं। अगर साढ़े शरीर च तंदुरुस्ती नहीं है किन्ना भी पैसा आ थोड़ा नाश हो जाएगा। इतने आ जाए नहीं एक फैमिली, मैंने उन्हें कुछ सिखाया सी इसी चीज बारे। हुण तक कम से कम वह लख रुपया खर्च चुके ने अपनी बीमारी से, तीन बार हॉस्पिटल जा चुके ने और हालत उन्होंने पागलों वांग कर रही स्त्री की कर रही है पागलों, किसी को पहचान नहीं रही। पाप की जो प्रभुता वधती है फिर जिस चीज लिए इंसान जूंदा है वो किसे काम नहीं है। बोले किसे काम, पर अगर तुसी उस खुदा नु प्रेम करते हो जो तुसी सोचते हो उस तो भी कई गुना वध गई। कौन करेगा, किसी का दिल करता है? इंसान तो अपने दित्ते हुए विचो नहीं दे सकता, इसलिए प्रभु ने ते जीवन नु ब्लेस किया आशीष किया। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से जोर से। तो प्रेरित जी इन्हों का नाम कुलदीप है और माला के रहने वाले ने, दसते पे ने कि इन्हों का डंगर तो सी पहले दुध देंदे सी लेकिन हुण कोई भी दुध नहीं दे रहे सीगे, और दसते पे ने कि इन्होंने परमेश्वर के प्रार्थना की कि परमेश्वर तुसी फिर इस डंगर के राही सानू दुध दे चुके हो, और इन्होंने विश्वास किया और प्रार्थना की और दस रहे हैं कि जो असी प्रार्थना की और परमेश्वर ने सानू दुध के नाल ब्लेस किया। समझते सामर्थी नाम दे करेंगे जोर से जोर से। अरे तो प्रेरित जी ये दसते पे ने कि जो अज सवेरे संगति में आ रहे थे तो इन्हों का एक्सीडेंट होने वाला सीगा और वजन ही लगे तो परमेश्वर ने इन्होंने बोलिया और परमेश्वर ने इन्हों ब्लैस कर दिता और उस एक्सीडेंट तो भी बचा दिता। शुभ दे सामर्थ्य नाम दे। प्रेरित जी इन्हों का नाम अमन और सोईया के रहने वाले ने, दसते पे ने कि इन्हों के दंद में बहुत ज्यादा दर्द सीगा और इन्होंने स्पिरिचुअल मॉम के कोलों प्रार्थना करवाई और दसते पे ने कि उस दिन तो ही परमेश्वर ने मैंने आजाद कर दिया। शुभ दे सामर्थ्य नाम दे। सब गवाइयां लिए असि दिल से अपने हाथों को हिलाते हुए सब 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 म्यूजिक म्यूजिक सब सब दिल से रू से इस खुदावंत के कामों के लिए हम उसकी प्रेस कर रहे हैं महिमा के लिए। हाल ताकि हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसे काम करता रहे और हम भी उसकी उसकी गवाही के साथ उसकी आशीष के साथ हम उसकी महिमा में आए। मीटिंग खास है आपके लिए। बोलो आज की मीटिंग क्या है आपके लिए? खास है। खास क्यों खास है? क्योंकि आज की मीटिंग का नाम प्रभु ने हमें दिया है। आज की मीटिंग का नाम क्या दिया प्रभु ने हमें? प्रभु ने दिया। आज की मीटिंग स्वर्ग के नाम से है। आज की मीटिंग का नाम है, सुनो सुनो सुनो, बाद में तारीफ करना। आज की मीटिंग का नाम है बोल्ड संडे। क्या है? बोल्ड संडे।
और इसका मीनिंग है। और ये कल जब हम प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर ने दिया। क्या है आज की मीटिंग का नाम? बोल्ड संडे। और इसका नाम इसका मतलब है, बोले इसका नाम क्या है? इसका नाम है आत्मविश्वासी, एकात्मिक विश्वासी। कैसा विश्वासी? आत्मिक नहीं, आत्मविश्वासी। कैसा विश्वासी? आत्मिक विश्वासी। जहां साहसी, जहां उद्यमी, जहां निडर। इस मीनिंग का मतलब है। बोलो क्या है? और ये हमें परमेश्वर ने दिया। इस मीनिंग का मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरी भी जो एजुकेशन इतनी हाई नहीं है। हाँ ठीक है, गुजारे जोगी बहुत है। बोलो क्या? गुजारे जोगी बहुत है, बहुत कुछ परमेश्वर दे रही है, पर कुछ मीनिंग नहीं भी है, क्योंकि हाई एजुकेशन नहीं है मेरी भी नहीं। पर इस मीनिंग नू जदों असी सर्च किया और पता किया इस मीनिंग का मतलब की है। बोलो की है? इस मीनिंग का प्रभु ने सानू मतलब दिता, साहसी जां आत्मिक विश्वासी जां लीडर। और कौन हो सकता है? असी सुनांगे इस मीटिंग के मतलब नू जो परमेश्वर ने सानू दिता है नाम इस मीटिंग का। तो उस तो पहला असी सब अपने बीच नू अपने हत्थां विच लवांगे, और जो लोग बोंदे ने सब अपने बीच नू एक सेकंड सब पहला सुनो, मेरी सुनो 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 सुनो। असी अपने बीच नू क्यों बोने आ? बोलो क्यों बोने आ? असी अपने बीस नू क्यों बोने? बोलो क्यों बोने? सुनो एक चीज मैं तुम्हें सिखाना है। एक फैमिली सुनो सुनो सारी सियाना सुनो ध्यान नाल सुनो, कुछ नहीं है, रुक जाओ, कोई बात रुको सारी रुको 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 रुको। साढ़े को एक फैमिली सी, उन्हों का कोई कम अड़िया पिया सी, बहुत देर तो वो अपनी बुद्धि अपनी समझ नाल करना चाहते सी पर हो नहीं सी रहा। और अज वो प्रभु तो भी दूर ने। बोलो कि अज प्रभु तो भी उन्हें कमजोरी सी पैसा। मैं दस रहा कि अज दी मीटिंग बोल्ड संडे क्यों आ? बोलो कि बोल्ड संडे क्यों आ? क्योंकि उन्हें कमजोरी पैसा सी। पैसा मैं बहुत बार सिखाया, क्योंकि जेड़ी चीज जिस इंसान दी जो कमजोरी है परमेश्वर नू ओही चीज सिखाएगा। जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो अपनी प्रॉब्लम चो बाहर नहीं आ सकता। कि नहीं कर सकता? चाहे किन्नी भी वो फास्टिंग करे प्रेयर भी करे, पहले जेड़ी अपनी कमजोरी है उन्होंने प्रभु दे लिए करना पड़ेगा। समझ लो आज वो है नहीं है। तो एक दिन उन्हें सरकारी जॉब करता बंदा, की करता बंदा? सरकारी जॉब करता। तुसी जाओगे घर विच तो आखना सरकारी जॉब करता बंदा, ये नालों तो एक मेहनती बंदा भी अच्छा है, क्योंकि शैतान खा रहा सब कुछ, उदा कौन खा रहा? और फिर भी आके भी प्रभु दे राज विच उदे राज नू समझिया नहीं। एक दिन असी समझाया उन्हें, मैं क्या इदा करो, उन्हों का कुछ कर्ज सी जिसके कारण उदी जड़ी सैलरी सी वो कट के जड़ा ना लोन कराया सी उदे विच चली जांदी सी। उन्होंने सोचा कि असी सरकारी लोन को करा लांगे तो पैसे दे देंगे तो वो अपने आप चलो कटिया जाएगा। उन्हों की कोई फाइल सी जो उन्होंने लगाई वो दो बार रिजेक्ट हो गई। क्योंकि दो बार, और वो बड़े परेशान सी इस गल नू लैके। कल भी उन्होंने गल हुई सी, कल कहिंदे कल बच्चों ने टीम के बच्चों ने गल की, कल इन्हों बोलते आने लिए आज की मीटिंग लिए बोलिया। कल कहते की करिए साढ़ा तो कोई काम कुम होता नहीं है। बोलो साढ़ा काम तो कोई की करिए इतने आके, साढ़ा काम तो कोई होता नहीं है। नो राणी साड़ी बीमार पई आ, मेरे बुरे आल आ, कोई कुछ नहीं आ, की करिए आके, काम तो साढ़ा कोई होंगे नहीं है, आके की करिए असी।
इन्होंने थोड़ा सिखाया कि नहीं तुहाडे जीवन च अज तक प्रभु ने कोई काम नहीं किया, कहिंदे किया आ, कहिंदे फिर तुसीं इदां क्यों सोचते हो? तो मैं उन्हां दी कमजोरी नूं जानदा सी कि सी, क्योंकि उन्हां दी कमजोरी सी पैसा। बोलो की सी? अज बहुतियां दी कमजोरी मैनूं परमेश्वर ने दसी आ कि पैसा है। मैं सच्ची कहना जी, तुसीं छुपा नहीं सकदी अपनी। मैं हुणे अज खून दी बोतल अज दसिया सी ना, हुणे हुणे सब ने हत्थ खड़ा कीता सी, कीता सी ना खड़ा? बोलो की है? कीता सी ना खड़ा जस सब? तो मैं उनकी कमजोरी नूं जानदा सी क्योंकि मैंने परमेश्वर ने दसिया। एक दिन की गल, शोर क्यों कर दे हो, शोर क्यों कर दे हो, आराम नाल बैठो। तो एक दिन वो मसला उन्होंने तीसरी फाइल लाई और रिसेक्ट हो गई और मैनू कहिंदे कि सर अहीं बड़े परेशान हैं, दसो की करिए। मैं क्या जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं सिखाई तुसीं क्यों नहीं करदे? बोलो। मैं बोलिया कि जिहड़ी चीज़ तुहानूं सिखाई गई तुसीं क्यों नहीं करदे? मैं सिखाया सी उन्हां, मैं बोलिया सी कि तुसीं तुहाडे सारे रुके हुए कम यहोवा सफल करेगा। तुसीं अपने बीज नूं प्रभु दे लई बोया करो, क्योंकि किहदा नियम है? मेरा नहीं, मैं भी करदा हां। मैं जिस दिन आया सी, क्योंकि किसी नूं सिखाउण तों पहलां अगर मैं अपने जीवन च नहीं कीता तो मैं किसी नूं सिखा नहीं सकता। एक दिन मैं जिस दिन आया सी, मेरे अकाउंट च 50,000 रुपया सी, सिर्फ 1.5 लाख रुपया सी, जिसों मैं 1 लाख रुपया खर्च चुका सी और 50,000 रुपया बचिया सी, और वह भी प्रभु ने मैनूं कहा दे दे। मैं एक मिनट भी संकोच नहीं किया, एक मिनट भी बैंक गया और सारा कढ़ा के जिस दे लई प्रभु ने मेरे नाम देता मैं देता। इदा नहीं है कि तुहानूं सिखाउण तों पहलां मैं नहीं अपने जीवन च कीता। जिस दिन मैं तुहाडे वांग विश्वासी सी, अज अगर मैं इस जगह ते खड़ा होकर तुहानूं सिखा रहा हां, तो ते पिछे मेरा एक मनिया जो मैं प्रभु दिन लई जीआ। समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर दा राज गल्लां च नहीं। बोलो, परमेश्वर दा राज गल्लां च नहीं, उहदी सामर्थ है। गल्लां बहुत सारियां लोग करदे ने, की करदे ने? मैं सच्ची कहना, इत्थे साडे सिस्टर बैठे ने, थोड़े दिन मैं पहला मैंने देरिए गया और मैंने पता लगा, वो कह रही सी कि मैं क्या आए क्यों नहीं तुसी इस जगह पर? बोले कि मन ते बड़ा सी पर पैसे आंदे कारण मैं आ नहीं पाई। किदां हो सकदा है कि मन बड़ा होवे ते तुसी प्रभु की हजूरी च ना आ सको पैसों के कारण? मैं सच्ची कह रहा, मैंने परमेश्वर की आत्मा ने दसिया इस मंडली की कमजोरी पैसा है, और तुहाडियां कमजोरियां नूं सच्चा खुदावंद तुहाडे जीवन चो बाहर कढ मारे, सच्ची बाहर कढ देगा। क्योंकि जिहड़ी गल परमेश्वर की वल्लों आ रही है उन्हें अपना काम करना तुहाडे जीवन च। बोलो की करना? और उस फैमिली नूं मैं जदों चीज़ सिखाई तो मैं क्या तुसीं उह नियम नाल खरे नहीं प्रभु नाल। मैं जदों दसिया उस बंदे दी कोई लगभग 40,000 रुपया सैलरी सी, जिचों कट कट आ के, नहीं ज़्यादा होएगी शायद 46-47 दे लागे, कट कट आ के उन्हू कोई 32-33,000 रुपया आंदा सी। की आंदा सी? मैं जदों सिखाया तो मैं क्या तुहाडा काम इस करके नहीं हो रहा, वो हज़ार रुपया मैं जो सिखाया सवेरे सिखाया और दोपहरे फोन आ गया, सर जी असी कितने हो, असी आना है मिलना। मैं क्या की गल है? नहीं कहते बस तुझ जो। मैं क्या चलो, मैं टाइम दिता, मैं क्या 4 बजे तक आ जाओ। मेरे को आ गए, मेरे को आके बैठे, अजे कोई अजे गल नहीं कड़ी, उन्होंने 1,000 रुपया कड़ के ते मेरी जेब में पाता। मैं क्या ये की है? मैं क्या की है? सेवा आ की है? कदे का किस काम दे है? थोड़ा दुश्मांश आ कि कोई सेवा दे रहे हो कुछ किस चीज़ की? वो बस रखो रखो रखो, कोई गल की रखो, इनू रखो, इनू रखो रखो रखो। मैं कहने मैं दसो तो सही है की है? बोले नहीं रखो, तुम रखो। उस तो पहला मेरा परमेश्वर मैनू दस चुका सी कि वो आने वाले और किस मन नाल आने वाले। बोलो, आने वाले हो किस मन नाल? आने वाले। परमेश्वर पैसे नाल भी खरीदया नहीं जाता,
उन्होंने जो 1000 रुपया मेरी जेब च पाता, मैं पूछा तो जरूर, मैं क्या मैं एक गल दसा, तुसी जिस काम लिए आए हो जेड़ा 1000 रुपया तुसी मेरी जेब च पाया आ, मैं कढ़ के क्या जे तुसी ये रख लोगे अपने कोल ते तुहाडा काम हो जाएगा। बोलो की हो जाएगा, तुहाडा काम हो जाएगा। इस दुनिया च कोई भी प्रभु दा सेविक अगर कोई किसी नूं पैसा दे रहा तो कभी वापस नहीं देगा, पर मैं अपने जीवन च पैसा नूं अपनी कमजोरी पैसा नहीं बन दिता, बस मेरी यही खासियत है, मैं अपने जीवन च पैसे नूं अपनी कमजोरी नहीं बन दिता। तो जदों मैं उन्हें कढ के वापस उन्हां दी जेब च पाया, मैं क्या अगर इनू रख लोगे तो तुहाडा काम हो जाएगा। नहीं 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 सर, फिर उठ के वो नहीं 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 ये रखो तुसी। मैं क्या जो मैं कह रहा हूं उस गल नूं मन्नो। कहिंदे नहीं असीं तुहानूं थोड़ी दे रहे हैं, ते परमात्मा नूं दे रहे हैं। पर मैं उन्होंने बोलिया मैं जानता है, बोलो मैं, क्योंकि तुहाडे आउण तो पहला मेरा परमेश्वर मैनूं दस चुका आ थोड़ी गल ही। फिर उन्हें मैं दस्या उन्होंने, मैं क्या तुसी उन्हां पैसों चो कढ के लियाए जे 1000 रुपया कि जिहड़ा तुहाडा रुकिया आ काम आ की हो जाए पूरा हो जाए। मैं सिखाया उस चीज़ के लिए तो तुसी 1000 रुपया कढ के लैके आए थे कि जिहड़ी साडी फाइल आ वह पूरी मतलब पास हो जाए सानूं लोन मिल जाए। इस तरह कहिंदे नहीं 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 इस तरह का कुछ नहीं, दोनों जी ना मनन। बोलो की आ, बड़ी देर तक मैं उन्होंने पुछता रहा कि नहीं है, फिर मैं आखिरकार उन्होंने सिखाया कि जे तुसी चाहते हो, जे तुसी चाहते हो कि साडा काम हो जाए तो ये पैसे रख लो और तुसी मन लो अपनी उस गल नू, जे नहीं मनोगे तो तुहाडा काम नहीं होना। आखिरकार दोनों जी अपनी मुंडी हिलाते कहते इस तरह करके हाँ जी, कहते असं इसे मन नाल ही आए हाँ कि चलो 1000 रुपया उन्होंने दे दें तो साडा काम की हो जाएगा। परमेश्वर पैसों च नहीं वेखता, बोलो की आऊँ पर थोड़ा मन वेखदा, मन बोलो की आ पैसों चो वेखदा नहीं है, ना मैं वेखदा तो ना मेरा परमेश्वर वेखदा है, समझते हो। इस कारण अगर तुसी करदे हो तो किहदे लई करदे हो, मेरे नहीं करते, आशीष देने वाला मैं नहीं हाँ तुहानूं परमेश्वर है। बोलो कौन है, उस मच्छी दे मन नूं देखिया, मेरी अखां च पानी आ गया जिद्दन इन्हें मैनूं उत्थे असीं गए इन्हां दे एरिया च। मैं क्योंकि आत्मा दीआं चीज़ां नूं लैके मैं उदास हुंदा, मैं अपने किसी अज तक मैं अगर मेरी अखां च अज तक पानी आया है, बोलो की आया, अगर मेरी अखां च नीर आया तो सिर्फ प्रभु दे प्रेम करके आया। अज तक मैनूं वड्डी तो वड्डी दुख तकलीफ कोई बीमारी चाहे मेरे बच्चे नूं डॉक्टर कह रहा है इत्थे साइन कर दो पता नहीं ने बचना कि नहीं बचना, तद भी मैनूं कोई कुछ नहीं होया, समझते हो। मेरी अखां च अगर नीर आया पानी आया तो प्रभु दे प्रेम लिए आया जो इंसान के अंदर छिपया जिन्हों तुसी अपने जीवन तो प्रकट करना। बोलो की करना है, जिन्हों अपने जीवन तो तुसी प्रकट करना, समझते हैं। एक बच्ची मेहनत करके सारा कमा के की कर रही है, समझते हैं। अपना अपना मन अपना अपना विश्वास है, समझते हो। प्रभु तो तैयार है, बोलो प्रभु की आ, प्रभु तो तैयार है। वचन च लिखा प्रभु तेरे निकट है नेड़े है, समझ रहे हो। जो समझ आ जाएगी तुहानू अपने आप पता चल जाएगा असी की करना। मैं सिखावांगा अज, इसलिए असी किसी इंसान लई है ना नहीं बोंदे। बहुत सारे लोगों ने शायद अपनी टाई नू अपने दशमास नू सब लोग तो नहीं करते, मैंने पता है जो नहीं करते तो उत्थे ही नहीं, जो करते ने अगे जा रहे हैं। बोलो की करते ने, क्योंकि तां प्रभु ने कहा मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और ये गल मैंने किसी इंसान ने नहीं दसी, और अजकल मैं अज जड़ी मैं गल तुम सिखाने लिए जा रहा हाँ अज तक मैं कभी सिखाई नहीं है। बोलो की हाँ, अस वीरवार इस वीरवार तो पिछले थर्सडे वीरवार की मीटिंग सी, प्रभु वीरवार की मीटिंग में बहुत ब्लैस कर रहा है। प्रभु दे आत्मा ने मैं एक गवाही दसी सी अपने जीवन के लिए, मैं किसी मीटिंग ते गया सी जलंधर, कोई सेविक सी प्रभु दा बंदा सी, उन्हें बेचारे ने सत्संग मीटिंग की
पर किसी ने कुछ भी उहदे नाल की नहीं किया, हैल्प नहीं की, वह कल्ला ही बेचारा प्रभु दे लई प्रभु की खातर अपना जवान इको एक बेटा सी वह भी चला गया, अज भी प्रभु नाल खड़ा आ, अज भी उहदी सेवा कर रहा। मैं जो मैं उस बंदे नूं मिलिया, एक बेटा सी कहिंदे वह भी कुछ हो गया, उन्हें उहदी नूंह आ ते बच्चे आ, और बंदा थोड़ा मतलब सी मतलब कह लो इस तरह का। मैं मन भरिया और बंदे नूं देखिया कि किसा कैसा बंदा अज भी प्रभु दे लई कर रहा। और उत्थे जदों उन्हें बोलिया कि इस मीटिंग नूं करन दे लई मैं बड़ा औखा सानूं लगा, मेरे अखां च तद भी मैं बहुत रोया, बहुत रोया कि प्रभु दे लोग कैसे लोग ने, और मेरी जो जो कुछ सी मैं सब कुछ उत्थे पोया, कुछ भी नहीं अपने को रखा। और तुरंत मैनूं आत्मा ने कहा उस वीरवार कि जो मेरे वांग ब्लैस होना चाहते हैं, मैं फिर मेरी जेब च जो सी उस दिन मैं करके अलग जो मेरे को बचिया मैं सारा दा सारा बोया। और मैं बोलिया जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं वो करो, पता नहीं उस दिन मैंने मैं तो किसी ने पूछा भी नहीं है भी कितने लोगों ने उस दिन इदा किया, कोई है तुहाडे चो अगर उस मीटिंग च आया किसी ने इदा किया बोलो, हाँ जो भी है कोई नहीं हथ खड़ा करो और खड़े हो जाओ जिन्हें जिस दिन प्रभु दे आत्मा ने, क्योंकि मैं नहीं बोलता परमेश्वर बोलता है। बोलो कौन बोलता है, मैं नहीं बोलता, हाँ वन एक बच्ची ने और ने भी किया, क्योंकि मैं नहीं बोलता कौन बोलता है, अगर मैं बोलांगा तो कुछ भी नहीं होएगा। बोलो मैं बोलांगा तो कुछ भी नहीं होएगा, शायद इस जगह तो उपाय सी नहीं है, उन्हें पत्नी बैठी है शायद उन्होंने याद नहीं है, याद है कि नहीं याद, किरण किरण तौल कला तो, किरण तौल कला तो थोड़े हसबेंड थोड़े पति ने थोड़े ना कोई शेयर की गल, हाँ बोलो की सी, अगे आ जाओ सुनांगे इस चीज़ में। मैं नहीं मेरे परमेश्वर का काम दसता है, बोलो की आ, मैं नहीं मेरे परमेश्वर का की दसदा काम दसदा, और रिजल्ट तुरंत आ हर एक दे लिए, बोलो की आ रिजल्ट हर एक दे लिए, हाँ दे, दे, बोलो हाथ रखा और पॉकेट तंबाकू दी पुड़ी सी, नहीं नहीं वो वाली नहीं, तुहाडे खुद दी हसबेंड दी गवाही 20 दी याद है, नहीं दसी उन्होंने शेयर नहीं की थी। चलो उन्होंने सिस्टर को सुन दिया, उन्होंने माइक दे दो फिर जाओ, हाँ सारों मेरे वालों प्यार भरी जैम सी दी, और मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का अज के इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने साडे जीवन च दिता। और मैं अपने ब्रदर की गवाही दसागी कि थर्सडे जी मीटिंग ईवनिंग टाइम की होंगी आ तो उहदे विच पहुँचे सी, और प्रेरित जी के द्वारा परमेश्वर ने बोलिया कि है ना जो तुसी सुन चुके हो कि जो कुछ भी तुहाडे को है तुसी परमेश्वर के लिए बीज दो है ना, और उन्होंने भी इस तरह किया, और कहिंदे कि मैं इतनी नहीं दसांगा किन्ना सी लेकिन जो भी सी है ना उन्हें इस जगह पर आके साडे को शेयर किया सी कि जो भी मेरी पॉकेट सी और मैं परमेश्वर के लिए उहदे है ना उहदे भले कम्मां दे लई उहदे लई बीज दिता, और उन्दे बाद उहदे कुछ रुकी हुई पेमेंट सी उहदे बिजनेस दे विच काम कार दे विच, और जो कि मिल नहीं सी रही काफ़ी समय तो जिहदे कारण लेबर भी इस तरह अगर पेमेंट नहीं हो रही तो लेबर भी की होएगी अगे पिछे होएगी, तो उन्हें दस्सिया कि इस तरह जदों मैं परमेश्वर लई कीता और परमेश्वर ने मेरे लिए एक गुणा नहीं बल्कि दो और तीन गुणा वध करके मेरे लिए किया किता, और इसलिए परमेश्वर का उन्हें बहुत सारा धन्यवाद किया, और मैं भी बहुत सारा धन्यवाद कर दी परमेश्वर का कि
सत्संग मन मन तो सी विश्वास से करता सी लेकिन परमेश्वर के लिए सोचता ही कि घर बैठिया भी असी परमात्मा का नाम ले सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि असी सत्संग च मीटिंग च पहुँचांगे फिर, लेकिन असी चाह च विश्वास सब परिवार बने रहे और परमेश्वर ने उहदा मन खोलिया। थर्सडे की वीरवार की जिहड़ी ईवनिंग टाइम की मीटिंग आ वह लगातार अटेंड कर रहा वा और परमेश्वर के जीवन च काम भी कर रहा वा और सब दे लई परमेश्वर करन दे लई तैयार है। और इस टेस्टमनी दे लई मैं परमेश्वर का और सचमुच उहदे पुत्र यीशु के नाम दे विच बहुत सारा धन्यवाद करदी। थैंक यू, तारीफ करांगे प्रभु दे लई। मैं चीज क्यों दस रहे हैं? क्योंकि अगर मैं समझावांगे नहीं हाँ बोलो कि हाँ कईयों नूं लगेगा शायद, क्योंकि जिहड़ियां अच्छियां गल्लां ने वह धीरे नाल तुहाडे अंदर जांदियां ने, पर बुरियाई तुहाडे बुरियां गल्लां बड़ी जल्दी फड़दा इंसान, समझदे हां। हो सकता किसी का मन किसी के अंदर विचार पैदा करे इस गल नूं लैके, बोलो कि हाँ मैं एक चीज दसदा तुहानूं, मैं कुछ भी बना के नहीं कुछ बोलता। बोलो कि मैं बना के, मैं अपने तो कुछ बना के नहीं बोलता, क्योंकि मैं अपने तो बना के बोलांगा मैं जानता सब तो पहला शराप मेरे उत्ते आएगा, समझ रहे हो। कि मैं अगर अपना कुछ बना के बोलांगा इस तरह कुछ करन दे लई कि तुसी प्रभु दे लई कुछ करो तो शराप सब तो मेरे उत्ते मेरे परिवार से मेरे बच्चों से आएगा। पर मैं तुहाडी उन्नति दे लई सिखा रहा, कद लई सिखा रहा तुहाडी उन्नति दे लई, क्योंकि अस कमजोरी इंसान, समझ रहे हो। इसलिए आओ अज असी पूरी इस मीटिंग नू बोल्ड संडे मीटिंग नू अज दा मीनिंग असी सिखांगे। उस तो पहला असी अपने बीज नू अपने हत्थां विच लै लांगे, अपने टाई अपने दशमास जो प्रभु दे लई बोंदे ने, अपने हिरदे नू तैयार करो, अपने बीज नू अपने हत्थां विच लो। बोलो थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा ये मेरा इस कुछ भी नहीं है, ये सब तेरा दिता है, ये बॉडी भी तेरी है, ये शरीर भी तेरा है, इस विच जो साह चल रहे ने प्रभु वो भी तेरे ने। मैं कभी भी तेरी किसी कीमत में मैं प्रभु दे नहीं सकती, पर इस तेरा प्रेम है जिस मैं तेरे लिए बोनी हाँ, मैं करदा हाँ। इसलिए मेरे परमेश्वर तू कभी भी किसी मनुष्य का लैके रखता नहीं है, अच भी मेरे खुदा मेरे बीच मेरे टाई विच मेरे खुदा तू मैनू बहुत आशीष देने वाला है। आमीन। आशीष वर्शिप सॉन्ग विच अपने बीच नू बोवांगे। तो प्रभु परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद कर दिया इस वर्शिप सॉन्ग दे लई। हेलो हेलो मेरे राह दे विच मेरे मेरा मां ते पकड़े
Oh.
बोल दो कोई भी बाहर ना हो, सबनों अंदर बुलाओ सबनों। सब अपने अखंड बंद करो और बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को पैदा करे, मेरे जीवन के हरेक पाप के बंधन को, मन के विचारों को असुरक्षित करे। मेरे परमेश्वर तेरा वचन मुझे आजाद करे उस पाप के बंधनों से, आज बंद बुद्धि खुले यीशु मसीह, तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना राज करे, 100 गुना राज करे, फले और फुले। आमीन। सब बोलो उसके लिए मैं अपने हृदय को अपने मन को खोलती हूँ, खोलता हूँ। आमीन। आज की वर्ल्ड संडे मीटिंग के लिए सारे अनु में बोलिया बधाई हो, तनु खुशी नहीं दोगे मैनू, तनु खुशी नहीं है, मैं बोलिया सबनों बधाई हो गई, बोलिया मैं क्या मैं बोलिया भी तनु सारे अनु बधाई हो, बोलो तनु वाद के। आमीन। अरे संडे वर्ल्ड मीटिंग ली असी प्रभु दा थैंक्स कर दे हां, उस होली स्पिरिट पवित्र आत्मा दा असी स्वागत करांगे। ये वर्ड जब परमेश्वर किसी को देता है आपके जीवन के लिए, एक वर्ड आपकी जीवन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, एक वर्ड एक शब्द सर। 38 साल का रोगी प्रभु यीशु मसीह को देखो लाया, क्या आया बोलो, तो एक वर्ड बोलिया सिर्फ और दी लाइफ चेंज होगी, लाइफ चेंज करती परमेश्वर ने, समझ थोड़ी जिंदगी दे लिए एक वर्ड परमेश्वर का बहुत है, पर जे तुसी उन्हें लैन वाले बंदे अपने जीवन च, बोलो की हो तुसी उन्हें अपने जीवन च लैन वाले बंदे, सब चौकस हो जाओ चौकस, एक वर्ड थोड़ी जिंदगी चेंज कर सकता, बदल सकता, बोलन दिया ते ले जा सकता एक वर्ड परमेश्वर का, तुम समझ समझे कि नहीं समझते, जिमें प्रभु ने कहा थोड़ा जा खमीर पूरी तौन नु खराब कर सकता, थोड़ा जा खमीर, समझे इस तरह, और एक वर्ड तेरी जिंदगी चेंज कर देगा, बदल देगा। इसलिए बोल्ड संडे, बोल्ड का मतलब साहसी उद्यमी, आत्म विश्वासी, आत्म आत्मिक नहीं, आत्म विश्वासी, आत्म विश्वासी का मतलब आत्मा नाल भरिया होया, कौन विश्वासी होता, बोलो की होता विश्वासी, आत्मिक नहीं आत्म विश्वासी, और प्लस इदा और भी मीनिंग है, साहसी जा उद्यमी जा निडर भी बोल सकते हैं, बोल्ड शब्द बहादुर बहादुर भी असि कह सकते हैं, बहुत मीनिंग ने, समझ लो, पर जे तुसी इस मीनिंग नू समझ जाओ, बोलो की जाओ समझ जाओ, इसलिए परमेश्वर ने जे सब तो पहला से एक परमेश्वर दा वर्ड एक वचन देखांगे, इस नू दूसरा तिमोथियस ओदी 2:1 पढ़ना, दूसरा तिमोथियस, इसलिए हे मेरे पुत्र तू शांत रहो, शांत रहो, किवें गल करदे ने, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, तो क्या हो जा, दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से, इसलिए हे मेरे पुत्र तू अपना अपना ध्यान और अपने कान परमेश्वर की आवाज पर लगाओ, सब सब अपना ध्यान, अगर आप चाहते हो कि आज मैं सेम सेम नहीं जाना,
आज असि आशीष अपने जीवन अज लैके उठना है ते अज परमेश्वर दे वर्ड नू दे वचन नू खाना शुरू कर दो। समझना खाना किस तरह है, अगर वचन नू खाना तो किवें खावांगे, पता ना किदां खाना है, किवें वचन खाई दा है, रोटी का दे नाल खाई दी है, मुंह नाल, अगर वचन नू खाना तो कदे ना खाना, कन्ना नाल, सुनो ध्यान नाल सुनो, दोबारा से पढ़ो। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में, किसमें, मैं हमेशा एक गल बोलना, आदत तो कई लोग अपनी आदत बदल देनी है, बाद विच कहंदे जी साडा ते ये आ साडा ते हो आ, पता नहीं की गल है, क्यों इस तरह उधर उधर की है, उधर मैनू तो समझ नहीं आती उन्होंने लोगों को, किस तरह परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर रहे हैं। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत, मतलब तकड़ा हो जा, कि हो जा तकड़ा, और यो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हाँ, आप क्या हो, अविश्वासी हो कि विश्वासी हो, विश्वासी, बोलो अविश्वासी हो कि विश्वासी हो, पहले निर्णय लो, अपने जीवन का एक निर्णय लो, अविश्वासी हो कि विश्वासी हो, क्योंकि विश्वासी हो तो आप परमेश्वर की हर बात को मानोगे, समझते हो, अगर तुम अविश्वासी हो तो फिर तुम्हें कोई परवाह नहीं, अगर विश्वासी हो तो तुम परमेश्वर की हर गल नू अपने जीवन च एक्सेप्ट करोगे, मनोगे, समझ रहे हो, तुम सब कुछ वो करोगे जो कौन कहता है, अगर तुम किदे विश्वासी हो फिर तुम अपनी मर्जी नहीं, किदी मर्जी पूरी करोगे, तो किन्नू सौंप दे, विश्वासी मनुष्यों को, और जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, जो दूसरों को भी सिखाने योग्य हो, और मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, मसीह यीशु के समान क्या कर, मेरे साथ दुख उठा, परमेश्वर दास पौलुस जी तो मत्तियुस नु कह रहे हैं, कि कह रहे हैं मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान क्या उठा, दुख उठा, जो परिस्थितियां जो मुश्किल सामने आंदियां ने, बोलो की आंदियां ने, हालात सामने आंदा है तो फिर की हो जाता, वड्डियां वड्डियां दी की हो जाती, बस हो जाती, समझ गए, पर तू कहता लड़ की कर उसकी, उसके नाल अपनी प्रॉब्लम नाल अपनी मुश्किल नाल की हो लड़ उसके नाल, की कर तू लड़, और जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो क्या करता हूं, अपने आप को जिन्हें उन्हें भर्ती किया उन्हें की करता, खुश करता है, ना कि अपने आप को संसार के कामों में फसाता है, कच नहीं पसंद हूं, इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह को भीड़ा आई, बोलो की आई, भीड़ वेख के लिखे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ ते चढ़ गए, जबकि लोगों देख के सानू खुशी होंगी है कि प्रभु के बहुत सारे लोग आ गए, पर यीशु मसीह ने भीड़ वेख्या और भीड़ वेख के कितने चढ़ गए, पहाड़ ते, क्योंकि उस भीड़ कोई भी बोल्ड नहीं सी, बोल्ड समझ गए ना, सासी उद्यमी आत्म विश्वासी नहीं सी, समझ पीड़ आई, पीड़ वेख के प्रभु यीशु मसीह पहाड़ ते चढ़ गए और पीड़ विचों कोई भी पिछे नहीं आ रहा, बोले पीड़ विचों कोई भी पिछे नहीं आ रहा, क्योंकि वो इस योग ना तो सासी आते ना उद्यमी ने, कि असी पिछे चल जाइए पहाड़ चढ़िए, क्योंकि पहाड़ नू चढ़न लग्या की लगता, समा लगता, पहाड़ नू चढ़न लग्या की लगता है, समा लगता है, लगता कि नहीं लगता, ताकत भी लगती लगती है ना, ताकत लगती है पहाड़ी चढ़न तो ताकत लगती, पर प्रभु यीशु मसीह ने देखा ही इस योग ने, समझने जिम्मे हर संडे तो हर एक बंदा नहीं आता, बोलो कि हाँ हर हर संडे हर बंदा नहीं आता, वो संडे नहीं आएगा तो वीरवार कितों आएगा, उसके लिए वीरवार और भी औखा है,
वो सोचेगा कि शाम नू मैं किस साइड किवें जावांगी, कोई बोलेगा मैं मेरे कोल कोई साधन नहीं है, मेरे कोल किया साधन नहीं है कोई, मैं किस अनुसार जावां, समझ नहीं। तुसी अपना मन तैयार करो, बोलो की करो, परमेश्वर सब कुछ तुहाडे लई इंतजाम करेगा। तुसी लैन वाले बनो, सिर्फ लैन वाले की बनो, तुसी लैन वाले, परमेश्वर देन दे लई तैयार है। बोलो की हां, तुसी देन लई, तुसी पहले ही सोच के बैठे, तुसी अपनी सोच सोच के बैठे हो किवें होएगा। अरे वही इंसान करेगा जो परमेश्वर दा सासी है, उद्यमी है। बोलो की जो सासी है, इसलिए ने कहे मेरे पुत्र क्यों हो जा, उस अनुग्रह मसीह यीशु च होया कि तकड़ा हो। बोलो की हो जा, उस पीड च कोई तकड़ा बंदा नहीं सी कि मेहनत करके अपनी चंगियाई नू ले ले। आज भी प्रभु देन दे लई तैयार है, बोलो की है, आज देन लई तैयार नहीं है परमेश्वर, पर उस पीड च कोई इस योग नहीं सी। अज भी असी बहुत सारे ने मैसेज दिता कि तुसी आना है परसनली, परमेश्वर दी वल्लों मैसेज है, मेरी वल्लों नहीं है। मैं अज तक कदी बोलिया दसो, अज तक असी इस मीटिंग नू जिस अनुसार कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया असी, मैं अज तक बोलिया कदी, बोलो किस तरह, इस तरह मैसेज दो और सारे नू बुलाओ, पर जो जड़े हल्के च लैंदे ने, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, अगर समझोगे नहीं तो फसोगे। बोलो क्यों रहोगे, समझना है कि परमेश्वर की इच्छा की, इसलिए पीड़ चो कोई नहीं आया, और किसी नु जीवन भी मिलिया। अगर एक जगह ते तुसी दूसरी जगह ते देखो, यीशु मसीह दे कोल एक कनानी स्त्री आई, कौन आई, हाका मार दी आई पिछे, बोलिया मेरी प्रभु जी मेरी बच्ची नु दुष्ट आत्मा ने फड़िया, इन आजाद करो। यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिता, चेले बोल लगे चला रही है साढ़े पिछे, इन विदा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इजराइल दियां खोईयां होईयां पेड़ा तो अलावा किसी होर कोल कोई भी नहीं आया, नाले चंगी गल नहीं है कि बच्चों की रोटी लैके कुत्तियां नू पाई जाए, कि लैके पाई जाए, कई अंदर सुभाव इंसाना का अचेतन पशुआ वर्गा, दाऊद कहता किस तरह का सुभाव उन्हों का अचेतन पशुआ वर्गा, जो पशुआ नू कोई समझ नहीं है, कई शायद गुस्सा भी लगे मेरी गल का कि सानू पशु बोल रहे हो, बोलो की बोल रहे हो, सानू पशु बोल रहे हो, कई अंदर सुभाव लिखा दाऊद कहता अचेतन पशुआ वर्गा, वो समझना नहीं चाहते, वो उवें चलना नहीं चाहते, समझते हो। एक दिन मैं भी मूर्ख सी, मैं भी पशुआ के समान सी, पर मैनू किन्ने समझ दी, परमेश्वर समझ दी, और मैं उहदे नाल चलना शुरू किया। बोलो की करना, चलना चाहता, चलना शुरू किया मैं परमेश्वर नाल कि हाँ प्रभु मैं तेरी हर इच्छा तेरी हर मर्जी नू की करांगा पूरा करांगा। पर उस कनानी स्त्री नू जब इस तरह के शब्दों नाल प्रभु ने बोलिया कि चंगी गल नहीं है कि बच्चों की रोटी लड़कियों की रोटी लैके कुत्तियां नू पाई जाए, तो उन्हें कहा नहीं, उन्हें कुत्तियां तो बोलिया कोई गल नहीं है, जिस मेज़ तो वो खाते ने कतूरे उन्हें खा के अपना ढिड भर लेंगे, उन्हें कुत्तियां तो कतूरे बना लिया, अपने आप को दीन किया, गुस्सा नहीं किया, कई कुछ बोलो तो की लगता गुस्सा लगता, क्योंकि अजय पूरी रीति नाल वो बोल्ड नहीं होए, एक बोल्ड होंदा एक क्लीन बोल्ड होंदा जी, की होंदा जी, एक बोल्ड और एक की होंदा या क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड बारे सुनिया ना, जो क्रिकेट शायद देखते नहीं उन्होंने पता है थोड़ा, एक क्लीन बोल्ड होंदा, बोल्ड तो बहुत तुहानु अगे लैके जाएगा शो, पर क्लीन बोल्ड की आ सफाया, क्रिकेट क्रिकेट जो वेख्या जेडे उन्होंने पता, क्लीन बोल्ड आउट, मिलना या कोई बोलो, तो क्लीन बोल्ड जो साफ सफाया हो गया, कई अंदर सफाया हो जाता इस राज, इसलिए प्रभु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत ने पर चुने हुए थोड़े ने, बुलाए हुए कि ने बहुत ने पर चुने हुए, फैसला तुसी अपने आप नूं पक्का करन दा करना, मैं बुलाया हां कि चुनिया हां, क्योंकि बुलाए हुए प्रभु ने कहा बहुत ने पर चुनिया हां, उहदी हर इच्छा उहदी हर मर्जी नूं की करता पूरा करता, हुण फैसला तुसी बनना कि मैं बोल्ड बनना कि क्लीन बोल्ड होना है, परमेश्वर दे राज विच मैं बोल्ड बनना कि क्लीन बोल्ड, मैं सासी उद्यमी आत्मा नाल भरिया बनना, आत्मिक विश्वास
आत्मविश्वासी समझ एक फैसला तुसी करना अपने जीवन दा अगर नहीं करोगे तो समा गुजरता जाएगा। मैं पहला भी कहना कि लंबा सफर करोगे की करोगे बोलो लंबा सफर लंबा सफर पर इस गल तुसी फैसला करना कि मैं लंबा सफर करना है कि मैं आज प्रभु की गल सुन के अपने मन नु फिरोना है। क्यों प्रभु ने कहा तुम मेरी और फिरो और मैं तुम्हारी और फिरूंगा तुम मेरी और फिरो और मैं तुम्हारी और फिरूंगा। जब तक आप उदी वाल नहीं फिरोगे तो भी परमेश्वर फिरेगा तुम मेरी और फिरो मैं तुम्हारी और फिरूंगा मेरी गल मनो मैं तुहाडी नुहारिक पूरी करांगा। कितना आसान है प्रभु कैसा कह तुसी मेरी गल पूरी करो मैं की करांगा तुहाडियां सारियां गल्लां नूं की करांगा पूरी करांगा। कैसा परमेश्वर एक इंसान सुन रहे हैं कि मेरे गुप्त अंग विच रसौली सी और बो रहे सी और मैं रिसीव किया और लिया और मैं की आजाद हाँ सासी उद्यमी जो लोग इतना ले लेते पर कुछ लोग बैठे रहते हैं सोचते रहते हैं कि मेरा काम कदों होएगा मेरी प्रभु कदों सुनेगा मैनू कदों आजाद देगा मेरा काम कदों होएगा। एक जवान आया प्रभु देखो उन्हें कहा प्रभु मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए की करा यीशु मसीह ने कहा आज्ञावां नूं मन्निया कर की करया कर आज्ञावां नूं आज्ञावां कई असं पेच दिते आ पता लगाए अपने घर में लगाए आ किसी ने पुछ के वेखो कुछ भी नहीं क्योंकि नॉर्मल घर में तो लगाते कभी वो ध्यान जाके वेखो मैं की करदा अपने आप चेक करो की करो अपने आप चेक करो। कई लोगों के अकाउंट च पैसे होंगे भुले होंगे जाके कहें वेखिए सही कि हिसाब किताब बनया समझ अपने आप चेक करो तन पता लग जाएगा क्यों मैं जो लगाया यीशु मसीह को लाया कहना आज्ञावां नूं मन्निया कर तूने सुन के आख्या तो मैं लड़कपन तो तू मैं बचपन तो करदा हुण मेरे विच केड़ी गल दी कटी आ कहिंदा फिर अपना सारा माल वेच दे और कंगालां नूं वंड दे और मेरे पिछे आ ते लिखिया निराश हो प्रभु दी गल नूं की हो गया सुन के निराश हो गया उदास होके चला गया वो कर नहीं पाया क्योंकि अजे वो साहसी उद्यमी आत्म विश्वासी नहीं बनया वापस चले गया अगर शायद करता तो जिन्ना होंगे उस तो कई गुना की होंगे ज्यादा होंगे पर जो करता बोलो की करता जो वो करता अज खास करके पाइयों के विचों क्यों वो कमजोर नहीं क्योंकि आत्मा नाल नहीं है परे सासी नहीं उद्यमी नहीं समझे बेचारे सोचते नहीं कि होएगा परमेश्वर किवें करेगा और करन दे लई तैयार आ। मैं तुहानूं दसदा आ इह गल क्यों परमेश्वर ने मेरे जीवन च दित्ती मैं सब तो पहला इस गल नूं करन तो पहला अगर परमेश्वर ने मैनूं इस वर्ड दा इसका मतलब दस्या तो सब तो पहला मैं अपने जीवन च कीता बोलो कीता आमीन पिछे बोलो सब तो पहला मैं अपने जीवन च कीता मैं आ तो दो थर्सडे दी मीटिंग तो पहला असी सोचता सी मैं क्योंकि इस जगह पर जी थर्सडे मीटिंग करते हैं सब लोग तो नहीं पहुँच पाते हाँ जो कोल कोल वाले जो कोई चाहत वाला दूर वाला भी आ जाता जो चाहत वाला है वो दूरों भी आ जाता है उस मीटिंग कुछ चंद लोग होंगे ने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थोड़े होंगे ने अगर असी सीट वो 20 इकट्ठा करिए सिर्फ वो सिर्फ 400-500 रुपया किन्ना बोलो सिर्फ 400-500 रुपया और मैं लगातार परमेश्वर के अगे आत्मिक आत्मविश्वासी बन के सासी और उद्यमी बन के लगातार उस परमेश्वर के प्रेयर कर रहा मैं बड़ी देर तो प्रेयर कर रहा परमेश्वर जिवें दी संडे दी मीटिंग सेम थर्सडे दी मीटिंग भी मैंने चाहिए की कर रहा मैं जिवें दी संडे दी मीटिंग प्रभु मैंने वीरवार की थर्सडे की मीटिंग भी सेम चाहिए और तुसी करो मैं प्रार्थना कर रहा क्योंकि मेरे अंदर वचन सी प्रभु का बोलो कि मेरे अंदर वचन सी जिवें इब्रानियों 11 दी एक विच किन्ने लोग विश्वास बताया वचन का उत्थे की लिखा है एक जाना दसो उत्थे की लिखा है इब्रानियों 11 दी एक बोलो उच्ची बोलो माइक इदा याद है माइक तो उन्होंने जल्दी पूछे
इन्हें कोल माइक लेके जाओ दे दो। अब विश्वास किया होया वस्तुओं का निश्चय भरोसा है कि जो नहीं हो सकता वो सानू विश्वास करना चाहिए कि हो सकता वा। समझ अगर बच्चे अब विश्वास आस कीतियां हुईयां गल्लां दा पक्का भरोसा और अंडित वस्तुओं की सबूती है और ओही इंसान कर सकता जो साहसी है उद्यमी है और आत्म विश्वासी है। दूसरा नहीं कैसा है अब ना मतलब होने आज तो ही परमेश्वर ने अपना वचन इवें दिता अब मतलब हुन तो ही आज तो ही शुरू है। जो तुम मन बना लोगे परमेश्वर का वचन उदो ही काम करना शुरू करेगा। अब विश्वास आस कीतियां हुईयां गल्लां दा पक्का भरोसा और अंडित वस्तुओं की सबूती है। बोलो किया सबूती समझ रहे हो। मैं भी उस वचन नु लेके लगातार प्रेर कर रहा मैं बड़ी देर प्रेर करता रहा और एक दिन मैंने परमेश्वर ने आख्या मैं ते तेरे साथ हां मैं ते तेरे नाल हां मैं ते करन नु तैयार हां तू नहीं मन तैयार कर रहा। बोलो किया तू नहीं मन तैयार कर मैं तो तैयार हां। ये तो मैंने परमेश्वर कह मैं ते तैयार हां तू तैयार हो मैं अपने उस चीज वाल नहीं देखा कि प्रभु इत्थे ते सिर्फ 400-500 इकट्ठा हुंदा है किन्ना इकट्ठा हुंदा है 400-500। मैं बोलिया प्रभु असी करांगे तेरी खूब महिमा करांगे जिवें तेरी इच्छा जिवें असी पहला थर्सडे वीरवार दी मीटिंग च असी खाली माइक लगा के सिंपल बोलदे सी कोई इंस्ट्रूमेंट कोई साज नहीं। बोलो कोई साज नहीं है आज कोई भी म्यूजिक क्यों नहीं है सारे कोई इंस्ट्रूमेंट कोई साज नहीं है समझ रहे हो। तो मेरे असि इदा ही गाते सी और मैं फैसला किया कि मैं लगावांगा जिदा खर्च थर्सडे वीरवार की मीटिंग का 1600 रुपए किन्ना 1600 रुपया और मेरे को कट्ठा हो रहा सीट 20 400 और 500 और खर्च की हो रहा 1600। मैच भी नहीं कर रहा कि नहीं कर रहा कोई मैच भी इकट्ठा हो रहा 400-500 और खर्च रहे हैं प्रभु के काम लिए 1600 रुपया। प्रभु ने कहा कर मैं फर्स्ट डे किया परमेश्वर ने फर्स्ट डे रिजल्ट देता। बोलो की किया फर्स्ट डे किया फर्स्ट डे प्रभु ने रिजल्ट दिता मैंने वो कहना मैं तैयार हाँ। बोलो की मैं तुम तैयार हो जब तक तुम सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा। बोलो की होगा विषयदास बोलो जी एक जगह थी कहने मैं तीन वरी उस चीज लिए प्रार्थना की थी कि मेरे तो की हो जाए दूर हो जाए की हो जाए मेरे तो दूर हो जाए तीन वरी बोलो कहना मैं प्रार्थना की थी कि प्रभु ये कांटे कुछ गल्ला से मेरे तो की हो जाए दूर हो जाए। मनुष्य ने आंसर दिता उत्तर दिता कि मेरे लिए तो तेरा अनुग्रह की है बहुत मेरे लिए किया तेरा अनुग्रह बहुत है मेरा अनुग्रह बहुत है मेरी कृपा ही तेरे लिए बहुत है जिससे तू बुलाया गया। जब मैं परमेश्वर की उस कृपा नु समझिया और किता मैं जिवें बहुत सारे लोग कर नहीं पाते वो सोचते नहीं सोच के नहीं मन तो होगा जो सोचते रहेगा वो सोचता रहेगा सालों साल चलता रहेगा। सोचने वाला की है तुम तैयार हो जाओ परमेश्वर तैयार है तुम सोचते रहोगे सालों साल चलता रहेगा। बोलो कि चलता रहेगा थोड़ा जीवन सालों साल चलेगा कुछ नहीं होने वाला तो आज तैयार करो मैं प्रभु लिए कराएंगे। जब कई लोग सोचते ना प्रभु लिए मैं अगर मेरे लिए प्रभु ये करेगा तो मैं भी वो करांगी मैं भी वो करांगा जो करे ते बोलो जो करे ते मैं करांगा। वो कहता तू कर मैं तैयार है पहले तू कर। यीशु मसीह ने की किया सबसे पहले तुम क्या करो उसके राज्य और सच्चाई की खोज करो तो जो चीजा तुसी लभदे हो पालदे हो अपने जीवन च वो सब चीजा तुहाडे पिछे आणगे। बोलो की आणगे पर फर्स्ट प्रॉपर्ट किन्नू दित्ती तुहानू दित्ती की दित्ती कि पहला तुसी फिर जो तुसी सोचदे हो सब कुछ पिछे आएगा समझदे हो फिर की आएगा
पर आप कहने नहीं पहला तुसी करो फिर करांगे। जिवें कई लोग कहते ठीक है जे साडा काम हो जाएगा तो असी बोलो ठीक है जी असं इधर आ जावे सानू की साडा काम हो जाएगा तो असं इधर आ जाएंगे। क्यों नहीं होएगा बोलो क्यों नहीं होएगा। अगर तुसी सासी हो उद्यमी हो प्रभु दे करने वाले हो तो परमेश्वर भी तैयार है। बोलो की हाँ तो अज तैयार करके देखो अज मन तैयार कर बोलो की करो जब तक तुम सोचते रहोगे चलता रहेगा समा। मैं भी बहुत देर तो प्रार्थना कर रहा है पर एक दिन परमेश्वर ने आख्या कत्तिक करता रहेगा की करता रहेगा जे मूसा जो मिश्रिया मिश्र तो इजरायलिया कढ के जंगल तो है ना पार किया और अगे सागर समुद्र आ गया तो बैठा है और पिछे मिश्री फौज उन्होंने मारन के लिए आ रही वो सारे कुड़कड़ा रहे हैं उत्ते बुड़बड़ा रहे हैं कि तू सानू ले आना असं तलवार हथों असं मर जाना है वो तो चंगा सी असं कि भी खाते सी उन्होंने हथों चाहे मार कुटते मारते कुटते जीवत से अज उन्हें तलवार हथों मर जाना। पर पशेदास मूसा भी सोच रहा की कर रहा है सोच रहा परमेश्वर क्या तू क्यों सोचता है मैं तो तेन सामर्थ दिती है कि दिती मैं तेन अपनी सामर्थ उस लाठी नो वदा समुद्र ते मार समुद्र की हो जाएगा दो भाग छोटी जी गल है बोले समुद्र का दो भाग होना छोटी गल है बोले छोटी गल है छोटी गल है कि सागर फट जाना एक साइड इदा और एक इदा कर सकता कोई इंसान पूरी दुनिया मिलके चीज नहीं कर सकती पर कौन कर सकता पर ओदे लिए होएगा जो साहसी है जो उद्यमी है परमेश्वर दा कि मेरे लिए करेगा जो डरते ने उन्होंने नहीं क्योंकि डर जेड़ा इंसान दा है ओदे लिए पै खान दा फंदा बनता। अज इंसान डर दे विच जी रहा कादे विच डर दे विच जी रहा इस कारण वो जी नहीं पाता परमेश्वर नाल बोलो की नहीं कर पाता वो जी नहीं पा रहा क्योंकि वो सोचता कि नहीं मैं नहीं जावगा मेरा आ काम है मेरा वो काम है मेरा आ चीज है मेरा आ काम है किदा होएगा बोलो की होएगा वो सोचते हैं कि मेरा आ काम है मेरा वो काम है किवें होएगा पर तुहाडे सारे काम कौन करेगा। तुसी मन तैयार करो जब तक तुसी मन नहीं तैयार करोगे बोलोगे नहीं परमेश्वर नूं कुछ भी नहीं होएगा। पर अज तुसी मन तैयार कर लिया कि मैं प्रभु नाल जीना है बोलो किदे नाल जीना है ता प्रभु ने कहा अपना धन कित्थे इकट्ठा करो बोलो कित्थे इकट्ठा करो स्वर्ग जिथे कौन नहीं बिगाड़ता क्या गाड़ी समझ नहीं अगर तुसी स्वर्ग च नहीं इकट्ठा किया बोलो जे स्वर्ग च नहीं कुछ इकट्ठा किया तो तुहाडे जीवन च कुछ भी इकट्ठा नहीं है तुसी पे नहीं किया तो प्राइस तुहानू मिलना अगर परमेश्वर ने कुछ नहीं पे किया तो प्राइस मिलेगा प्राइस तद ही मिलेगा जे तुसी पे कर रहे हो। तो अपने आप में देखो मैं अपना समय कितना दे रही हूं मैं प्रभु नूं तद प्रभु तुहाडे लई करेगा की करेगा अरे वही इंसान कर सकदा जो दा सासी है उद्यमी है जो करन दे लई तैयार है। इसलिए तिमोथियुस नूं ने कहा कि जो अच्छे योद्धा दे समान की कर मेरे नाल दुख उठा की उठा मेरे नाल दुख उठा समझने तो लड़ाई लड़ क्योंकि योद्धा अपने भर्ती करने वाले नूं की करदा खुश करदा की करदा या असीं अज किन्नूं खुश करना अपने आप नूं कि जिन्हें तुहानूं अपने राज्य च बुलाया उन्हूं खुश करना किन्नूं खुश करना या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिदे कोल तुसीं अज आए हो जिहड़ा तुहानूं जीवन देण दे लई तैयार है। पर जद तक तुसीं तैयार नहीं होगे सोच सोच के जींदे रहोगे तो चलता रहेगा। एक माता पिछे बैठी है एक दिन प्रभु ने उन्हें चंगा किया पर वो समझ नहीं पाई परमेश्वर दे राज नूं थोड़ा अगे आवे उन्हें माता नूं लेके आओ थोड़ा जा ताकि सारे नूं समझ आए लव दी मम्मा तद तक इंसान अपने पाप में फसया है जब तक ओदा मन प्रभु दे लई तैयार नहीं बोलो जब तक ओदा मन प्रभु दे लई तैयार नहीं
जो तैयार है तो परमेश्वर भी तैयार है। कुछ समय पहला इस माता नु तुसी देखदे दे दी बड़ी सेहत सी, बहुत सेहत सी, पर अज बाप ने इनू खा लिया। सीधे सीधे उधर नु खड़ो, क्योंकि भी समझ नहीं पाई कि नहीं पाए समझ नहीं। आज दुनिया नाश क्यों हो रही है? बोलो, नाश क्यों हो रही है? दुनिया नाश क्यों हो रही है? ज्ञान बना। अगर तुसी यदि फ्राइडे शुक्रवार इस माता की हालत वेख दे तो तनु ऐ लगना सी पता नहीं माता ने बचना कि नहीं, समझ रहे हो? पर जब तक सारा कुछ अपने जीवन चो सी मटावांगे नहीं, खत्म नहीं करांगे, जिवें संसार की सड़ाहट तो परमेश्वर ने क्या छुट के कि दे स्वभाव दे सहभागी बनो, जब तक अपना पुराना स्वभाव खत्म नहीं करांगे मारांगे नहीं। इसलिए क्या असी मसीह वालों सॉरी पाप वालों असी मर गए और मसीह विच असी किया हुण जीवत है। पाप लिखा तुहाडी नश्वर देह दे विच राज ना करे, पाप तुहाडी नश्वर देह विच राज ना करे, पर कई वारी करदा है क्योंकि असी मरे नहीं जी। इस कारण कई सारियां चीजां सी माता दे जीवन जिचो बदलिया नहीं, पर फिर भी परमेश्वर पलाया। कुछ समय से पहला माता ने प्रभु ने बहुत अच्छा किया, पर समझ नहीं पाई, चल नहीं पाई, हालत ज्यादा बिगड़ी। मैं कई बार दसदा लोग कदों वचन खाते हैं जो ज्यादा प्रॉब्लम च ज्यादा मुश्किल च होंगे ने तद वो कहें, पर जो उस तो पहले ही खाण तो की हो जाएगा, प्रॉब्लम च आएंगे, पर परमेश्वर फिर भी महान है। बोलो किया परमेश्वर फिर भी किया। अज तो खड़े वेख रहे हो, पर दो दिन पहला नहीं, दो दिन नहीं, एक दिन पहला माता खड़ी नहीं सी, इतने लेटी सी, हाय वक्खी पड़ी सी और पूरा अपने आप में हाय हाय कर रही सी। पर सच्चा खुदावंत परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, बोलो किया सच्चा खुदावंत किया सामर्थी परमेश्वर, माता हाय हाय कर रही सी। बोलो की कर रही सी? बुरा हाल वक्खी, बड़ी दर्द सी, बहुत बुरी हाल। आज थोड़े सामने बैठे आज तो नहीं हाय हाय कर रहे, बोलो आज तो नहीं हाय हाय कर रहे, तारीफ करांगे प्रभु के नाम की। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। क्योंकि जब तक तुसी अपना मन नहीं खोलोगे तब तक परमेश्वर भी करने के लिए कुछ तैयार है, जब तक तुसी सोचते रहोगे तब तक, बोलो किया जब तक तुसी सोचते रहोगे तब तक परमेश्वर भी सोचेगा। इजरायली लिखा 450 साल दुख सहते रहे, किन्ने साल? 450 साल। पर जिस दिन तक उन्होंने परमेश्वर को पुकारिया नहीं तो परमेश्वर ने भी उन्होंने आवाज को सुनिया, पर जिस दिन उन्होंने उस मन नाल उस चाहत नाल प्रभु को पुकारिया तो परमेश्वर ने उन्होंने आवाज सुनी और उन्होंने छुड़ाया। बोलो की किया उन्होंने? जब तक तुसी भी उस मन नाल नहीं उन्हें पुकारोगे तब तक वो भी नहीं आएगा तुहाडे कोल, वो भी नहीं आएगा। अज इंसान दी अज इंसान खास करके पुरशां च भाइयां विच भैणां च ते जो है ही है, खास करके भाइयां दे विच सब तो बिग मेजर प्रॉब्लम है उन्हां दी पैसा। बोलो की है? वो सोचते नहीं 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 तुसी जाओ, कोई नहीं है तुसी जाओ, तुसी जाओ, मैं तो आ कामया, मैं तो आ कामया आस्ते आ। बोलो की है? मैं भी तोड़े वांगी। बोलो की है? मैं भी तोड़े वांगी है। समझ गए? मेरी कोई बहुत सारी जमीन नहीं है जा मेरी फैक्ट्रियां नहीं है, समझ गए? मैं भी तोड़े वांगी है, पर मैं एक मन दिता अपने प्रभु नु बोल्ड बन के सासी उद्यमी बनया मैं कि मैं प्रभु दे नाल जीवन नु जीना है, चलना मैं उदे नाल। बोलो की करना? मैं चलना है, और मेरे लिए सब कुछ कौन करेगा? आज मैं दसदा सच्ची गल, कोई भी अधकड़ा कैस करके कर सकता क्योंकि आज दी गल सच्ची है। मैं जानदा मेरे परमेश्वर ने जो मैं दसिया, क्योंकि मैं जानदा कि भाइयों दे विचों खास करके भैणां ते हैगे है उन्होंने सब तो मेजर प्रॉब्लम है पैसा, वो पैसे कारण
प्रभु च वध नहीं पाते। कई गल्लां उन्होंने मन च विचार ने, कई सोचां चल दियां ने, जिदे कारण अपना मन, अपना ईमान, अपना विश्वास, भरोसा परमेश्वर नूं दे के उहदे नाल जी नहीं पाते। कि नहीं पाते उहदे नाल जी नहीं पाते। पता क्यों? उही शब्द, क्योंकि साहसी नहीं, उद्यमी नहीं। बोलो की नहीं बने हो जी? साहसी, उद्यमी या आत्म विश्वासी नहीं बने, बहादुर नहीं बने जी परमेश्वर, वो योद्धा नहीं बने परमेश्वर दे। बोलो की नहीं बने? वो योद्धा नहीं बने। एक असी वर्शिप सॉन्ग गावांगे थोड़ा जा, ताकि तुम सुस्त हो रहे जो मिल लगते सुनांगे कि जीवन कदों बदलता है। जदों असी परमेश्वर नाल चुने हैं। कीतों की बनाता
मैनू कीतो की बनाता मेरे साथ। जीवन च जिदे आंदा है बोलो जब तक तानू पवित्र आत्मा छुएगा प्रभु तुहाडे जीवन च आएगा थोड़ा जीवन चेंज नहीं होएगा। इसलिए सुनो सुनो आ कोई नहीं मौसम ठंडा हो रहा, गर्मी लग रही सी ना, बोलो की लग रही सी गर्मी, प्रभु ने वधिया करता ठंडा करता। अगर बारिश आए तो अपनी जगह तो उठना नहीं है, जिथे बैठे बैठे रहना, बोलो किया बैठे रहना, किसी ने उठना नहीं है, बारिश आए कोई गल नहीं बैठे रहना, समझ रहे हो। मैनु की तो की बनाता और वही जीवन ओद ही चेंज होता है जो ओ अपने आप बदलना चाहता, जीवन कि चेंज होता है जो अपने आप बदलना चाहता, जो बदलना नहीं चाहता ओदा नहीं, समझ रहे हो। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पिछे आना चाहता, बोलो की आना चाहता है, जो कोई मेरे पिछे आना चाहता वो अपना क्रूस उठाए अपनी स्लीप उठाए ते मेरे पिछे आए। क्या आए? जो कोई मेरे पिछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए और मेरे पिछे आ जाए, बोलो कि आ जाओ मेरे, उठाए स्लीप और मेरे पिछे आ जाए। इसलिए एक जवान आया बोलिया मेरा पिता मैं प्रभु तेरे पिछे आवांगा, मेरे पिता मर गया मैंने गाट उन्हें दब आ गाड आने कहा मुर्दिया मुर्दे गंढन तू मेरे पिछे आ, समझ क्यों बोले। इसलिए एक वर्ड तेरी जिंदगी लिए बहुत है, तेरे जीवन चेंज करने के लिए एक वर्ड ही परमेश्वर का की है। अगर एक गल तेन समझ आ गई परमेश्वर की राज्य के लिए कि मैं की करना, यीशु मसीह क्यों इस दुनिया चाहिए, उन्हें क्यों मेरे लिए इन्ना दुख उठाया, क्यों उन्हें अपना जीवन गवाया, जे तेन समझ आ गई बोलो की आ गई, तुसी क्लीन बोल्ड नहीं तुसी बोल्ड हो परमेश्वर दे। आज तो तुम मैं क्या बोल्ड हो परमेश्वर दे सारे, आज तुसी शास कर दे हो, आज तो प्रभु तुहाडे साथ है तुहाडे नाल है, बोलो की हो। अगर तुसी दे सासी उद्यमी हो कि मैं हर एक काम करना है क्योंकि आलसी सुस्त नहीं है, परमेश्वर दास सुलेमान कहता जेड़े आलसी ने उन्हां दीआं कर दीआं कड़ियां चुंदियां रहिंदियां ने, आलस नहीं किसी भी गल विच कोई आलस ना करो क्योंकि तुहाडे साथ कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है तुहाडे साथ। इसलिए अज तो किहदे नाल जीओ, अज इक फैसला लो, अज तो की लो एक फैसला लो अपने जीवन का प्रभु दे नाल कि मैं प्रभु तेरे नाल जीना है, बोलो की करना, मैं तेरे नाल जीना आज तो तेरे नाल, फिर देखो थोड़े जीवन दे मसले प्रभु किवें हल करता, मैं बोलिया थोड़े जीवन दे मसले प्रभु किवें हल करता है, आज तो ही करन लई तैयार है। आमीन। किन्ने लोग विश्वास करदे नहीं कि अज तो मैं कौन बनना है, अज तो मैं की बनना है, की बनना बोलो, बोल्ड पर बोल्ड बनना, बोल्ड क्लीन बोल्ड नहीं मैं होना परमेश्वर के राज में, पता ना क्लीन बोल्ड इन बोल दे क्लीन बोल्ड बार पूरी रीति नाल समझने, मैं बोल्ड बनना, बोल्ड प्रभु दा सासी हर एक हालात नाल हर चीज विच खड़ा रहना मैं प्रभु दे नाल, और मैं उस परमेश्वर की इच्छा तुदी महिमा नु अपने जीवन चौकी करना या प्रकट करना, बोलो की करना, मैं आज तो परिस्थितियां चाहे मुश्किल चाहे कैसिया भी क्यों ना हो मैं किदे नाल जीना है, जो तुम सोचा नहीं है अपने मन च वो करन दे लई तैयार है। जैसे अहीं मैं कभी नहीं सोचा कि असी इतों और जगह पर जावे, बोलो की है, मैं कभी नहीं सोचा कि इतों असी और जावे, प्रभु दा वचन सानू दसता है थोड़ी जिंदगी लिए एक वर्ड बहुत है, समझ रहे, मैं कभी नहीं सोचा पर परमेश्वर साडे सोचण मंगण तो भी की करता है, लिखा जो तेरे मन के चित्त विच भी नहीं है मैं वो करांगा, बोलो
जो दाऊद भेडा ते बकरियां चारदा सी उन्हें पता सी मैं राजा बनना, पर वह किनू प्रेम करता सी, किदी गल नू पूरा करता सी, वह साहसी सी, उद्यमी सी, बहुत सी, क्योंकि उहदे अंदर किहदा बल सी, किहदा बल सी, तुहाडे अंदर भी है, पर तुसी अपने अंदरों प्रगट नहीं करना चाहते, कि नहीं चाहता अपने अंदरों उस चीज़ नू प्रगट करना नहीं चाहते, तुसी सोचदे हो कि किवें होएगा, सोचना नहीं है, चलना अज तो ही करके देखो, अज तो प्रभु की है तुहाडे लई तैयार ने, मैं बोल रहा अज तो ही की है प्रभु तैयार है तुहाडे कर लई, कि तैयार हो, तैयार हो, सब तैयार हो, आप अपनी अखां नू बंद करो, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर अज ते इस वचन नाल, वचन नाल मेरे जीवन नू संभाल, मेरे जीवन नू संभाल, मेरे जीवन नू क्लीन बोल्ड नी, मेरे जीवन बोल्ड बना, बोल्ड बना, मैनू साहसी, उद्यमी, उद्यमी, आत्म विश्वासी बना, विश्वासी, तेरी हर गल नू पूरा करने वाला, तेरी हर गल नू पूरा करने मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं तेरे नाल बना, मेरे परमेश्वर, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू आज तो ही मेरे परमेश्वर, तू आज तो मेरे परमेश्वर, तू मेरे जीवन च, मेरे जीवन, अपने हर कम नू, अपने हर, अपनी हर इच्छा नू, अपनी हर इच्छा, अपनी हर मर्जी नू, अपनी हर, मेरे जीवन च पूरा कर, मेरे जीवन च पूरा कर, आज तो मैं तेरे नाल जीना है, आज तो प्रभु मैं तेरे नाल जीना है, आज तो मैं तेरे नाल जीना प्रभु, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों नहीं, चाहे कैसी भी मुश्किल, आज तो मैं जीवांगी, आज तो मैं जीवांगी, आज तो मैं जीवांगा प्रभु, जीवांगा प्रभु, खड़े रहो अपनी अपनी जगह ते, बैठे रहो कोई गल नहीं है, आज तो मैं जीवांगा प्रभु, आज तो मैं जीवांगा प्रभु, आज तो मैं जीवांगा, आज तो मैं जीवांगी, आज तो मैं जीवांगा, जीवांगी, तू इते खून देने लिए तैयार सी, तू इते बारिश तो डर के बोलो, अते तू खून दी बोतल देने लिए तैयार सी अपने शरीर दी, कोई नहीं बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, अगर तानू लगता तो मैं पिछे आ जाना, सुनो सुनो सुनो, कोई गल नहीं है, कोई किसी नू अगे नहीं करेगा, बस टाइम कैमरा थोड़ा कर लो, बारिश तो बैठे रहो, बैठे रहो अपनी अपनी जगह पे, कोई चीज कोई नहीं चकांगे, असि खड़े रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, बैठे रहो अपनी जगह, बैठे रहो, बैठे रहो, आओ एक ऐसी वर्शिप सॉन्ग गावांगे प्रभु दे लई, अपनी अपनी जगह पे रहो, अपनी अपनी जगह पे, आमीन, आदे वचन नाल प्रभु तुहाडियां जिंदगियां नू चेंज करे, बदले, आमीन, वाला भजन बारिश नासरी है बड़ा ही महान, यीशु नासरी है Oh,
Yeah.
प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में, सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में, सब प्रार्थना करें। रिसोरा खाले रिबो रिशिकापा, आज सब मांगे मांगे परमेश्वर, आज मांगे अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई को मांगे, अपने छुटकारे को मांगे, आज मांगे मांगे आगे, आज मांगे परमेश्वर से कि आज से मैं बोल दूं परमेश्वर, आज अपनी शिफा को मांगे खुदा से, अपनी शिफा को मांगे 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 मांगे, शिफा को मांगे मांगे, आज शिफा को मांगे। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जितने भी पत्री रसौली गिल्टी वाले हैं, सर्वाइकल वाले हैं, टाइफाइड वाले हैं, परमेश्वर उनके उनको शूरा आजाद कर रहा है, वो आजाद हो रहे हैं, आजाद, मैंने बोला आजाद हो रहे हैं। आज से आपकी पत्री रसौली गिल्टी जा रही है यीशु के नाम से, आप आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, इस शाखा बाबा आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, मांगे मांगे खुदा से, मांगे प्रार्थना करें अपने छुटकारे के लिए, अपने खुदा के पास अपने हाथों को उठाकर अपने मन से दुआ करें, मांगे कि परमेश्वर ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, तू जानता है, तू जानता है, तू मेरे रोग को मिटाने वाला मेरा परमेश्वर, तू सामर्थ्य है, तू आज भी मेरे साथ है, तू आज भी मेरे साथ है, आज भी मेरे परमेश्वर मुझे यीशु, 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 आजाद कर मेरी प्रॉब्लम, आज से मेरा दर्द मेरे जीवन से निकले, आज से मेरे दर्द मेरे जीवन से निकले, थायराइड के रोगी जितने भी थायराइड के रोगी हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, काला पीली आपको छोड़े और जाए, ओ पेट की तमाम बीमारियां आपको छोड़ दे, बोला पेट की तमाम बीमारियां आपको छोड़े और चली जाए आज से यीशु मसीह के नाम से, आज से जीवित नाम यीशु का जीवित लहू आपके जीवन में काम करे, काम करे, काम करे, काम करे, अभी रिसा रखा महाराज, सब अपनी आंखों को बंद रखो, सब अपनी आंखों को बंद रखो, सब अपनी आंखों को बंद रखो, रिशा का बाला लिबो रसा का बाबा, रिबा सा खारिया लिशंद्रो रिसा का बाबा, बंद पीरियड यीशु के नाम से खुल जाए, ओ पीरियड की प्रॉब्लम वाली आत्मा आपको छोड़े और चली जाए, चली जाए, चली जाए, इसी समय छोड़े और चली जाए, चली जाए, चली जाए, बंद कान यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, यहां से बंद गला खुल जाए, बंद गला खुल जाए, क्लेश की आत्मा आपको छोड़े और चली जाए, नशे की तमाम आत्माएं आपको छोड़े और चली जाए यीशु के नाम से, और नशा करने वाली आत्मा आपको छोड़े और जाए, नशे की आत्मा मैंने बोला आपको छोड़े और चली जाए, रिसा बाबा बाबा आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई यीशु के मसीह के नाम से, आपकी बीमारी की जितनी भी रिपोर्ट हैं वो नॉर्मल आई यीशु के नाम से, रिबोसा बाबा लिकारा साका रिबो सारा रही शिंगला करा रिहो सारा का बाबा, बाबा हर शैतानी आत्मा आपको छोड़े और चली जाए, हर शैतानी आत्मा आपको छोड़े और चली जाए, हरेक पाप का बंधन टूटे और जाए, सर्वाइकल के रोगी मैंने बोला अच्छे हो जाए, बंद पीरियड खुल जाए, नशे की आत्मा छोड़े और चली जाए, जिनके घुटनों में दर्द है वो चंगे हो जाए, घुटनों के रोगी चंगे हो जाए, यीशु के नाम से वो फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, आज से हर गंदी आत्मा जो अपने सपने में आती आज फ्री हो जाओ उसके,
बच्चों में जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको जो भी रोग है, परमेश्वर का आत्मा उनको चूरा और आजाद कर रहा है, फ्री कर रहा है। छोटे बच्चे अपने रोग से फ्री हो रहे हैं, अच्छे आज वो अच्छे हो रहे हैं। मैंने बोला आज अच्छे हो रहे हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे भी, मैंने बोला गर्भ में पल रहे बच्चे भी परमेश्वर उनको भी छू रहा है, गर्भ में पल रहे बच्चों को भी परमेश्वर छू रहा है, और बंद गर्भ भी यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। बाबा लिबरेशा, लिबरेशा का बाबा राबा, अरे हो री साका बाबा बा, लिखा रे साका राकारा, री बारा री साका बाबा बाबा बाबा, री शो बाबा बाबा बाबा। आज जितने भी आपके रोग हैं, अपने सिर पर हाथ रखें, अपने सिर पर हाथ रखें और सिर से लेकर पांव तक कमांड करें यीशु के नाम से, अपनी पूरी बॉडी को हील करें यीशु के नाम से, परमेश्वर की फायर को अपने ऊपर लीज करो, बोले यीशु के नाम से हर बीमारी का आत्मा, जकड़न का आत्मा और रोग की आत्मा, ओ तकलीफ की आत्मा मेरे जीवन से निकले और चली जाए, निकले आज से मेरे रोग निकले, सिर से लेके पांव तक, मैंने बोला सिर से लेके पांव तक आपके रोग निकले, सिर से लेके पांव तक आज आपके रोग निकले। दोबारा सारा अपने सिर पर हाथ रखो, सिर से पांव तक मैंने बोला आपके रोग निकले, आप पूरी रीति से हील हो जाएं, अच्छे हो जाएं। रिसाबा लिहो रिसाकाबा, आज फ्री हो जाएं पूरी रीति से। जिनको यूरिन में प्रॉब्लम है, जिनको पेशाब में प्रॉब्लम है, जिनको बाथरूम में जो भी प्रॉब्लम है, आज से वो आपकी वो ब्लड में जो प्रॉब्लम है वो आज से आपको चली जाए छोड़कर। ईशा बाबा चली जाए आपको छोड़कर, यीशु के नाम से आप फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ, बीमारी का आत्मा आपको छोड़े और चला जाए, बीमारी का आत्मा छोड़े और चला जाए। आपकी जहां पे भी गिल्टी है आज से यीशु मसीह के नाम से खत्म है, जहां पे भी आपकी गिल्टी है, मैंने बोला आज से यीशु मसीह के नाम से खत्म है, बोले खत्म है, आज से खत्म है यीशु के नाम से। आज हर डबल पावर, हर अंधकार की आत्मा, बीमारी का आत्मा आपको छोड़े और चला जाए, आपको छोड़े और जाए। रिसो रखा बाली शाना, रिहो रिसा का बाबा बाबा, रिशो बाबा बाबा, रिसो रोखोरी अल्लाह का रखा रहा। जिनकी हड्डियों में दर्द है वो हड्डियों के रोगी अच्छे हो जाए यीशु के नाम से, जिनकी हड्डियों में दर्द है वो हड्डियों का रोग उनको छोड़े और चला जाए यीशु के नाम से, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए, आज से वो फ्री हो जाए, आजाद हो जाए। ओ छोटा बड़ा अंग यीशु मसीह के नाम से बराबर हो जाए अपनी जगह पे, छोटा बड़ा अंग यीशु के नाम से बराबर हो जाए, आपके बंद आते यीशु के नाम से खुल जाए, आपका काला मोतिया चिट्टा मोतिया यीशु के नाम से चला जाए, आज से आप फ्री हो जाओ आजाद हो जाओ। हर तकलीफ से, हर रोग से, आज से आपके पूरे बदन में जो जकड़न है शैतान की, वो जकड़न आपकी जकड़न टूटे और चली जाए यीशु मसीह के नाम से। अब फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, अच्छे हो जाओ। अच्छा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। बोला आपके साथ खड़ा है, वो आपको छू रहा है, अपना जीवन अपना मन परमेश्वर को दो,
अपना मन अपना जीवन परमेश्वर को दो, वो आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, छू रहा है, मैंने बोला आपको छू रहा है। आप फ्री हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आपको दमे की बीमारी, आपके दमे की बीमारी आपको छोड़ रखे जा रही है। आपके दमे का रोग, जो जिनको दमे का रोग है, आज से वो फ्री होने जा रहे हैं, आजाद होने जा रहे हैं। दमे के रोगी अच्छे हो जाए यीशु के नाम से। आपके पशुओं, आपके पशु भी ब्लेस हो, आपके दूध देने वाले पशु भी ब्लेस हो यीशु के नाम से। उनके जीवन में भी वादा हुए, उन्होंने जीवन दे विच भी आज तो तड़े पशु ब्लेस हो जाने यीशु के नाम दे विच। आज तो तड़े पशु भी ब्लेस हो। रिसो रखा बा रिबारा सका बाबा रिहो रिसा का रखा बाबा। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। रिबारा सका थोड़िया गुम हुई चीजा, थोड़िया गुम हुई चीजा फिर तो यीशु मसीह तुहानू लुटाए, फिर तो तड़े कोल आ जान। जो कुछ भी शैतान ने तोड़ा चुराया फिर तो वापस आए। वो तोड़ी हर चीज डेविल पावर ने जो शैतान ने चुराई है आज तो फिर से वापस आए आपके पास, आपके पास वापस आए, वापस आए यीशु के नाम से। वापस आए, वापस आए, वापस आए आपके पास। रिसो खोरी बाबा रिशा बाबा बाबा रिहो रिसा बाबा परिशी। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए, तेरे लोगों के लिए। मेरे खुदा तू छूने वाला परमेश्वर, तू आजाद करने वाला परमेश्वर, आज भी तू इनको छू रहा है मेरे खुदा। इनकी समस्या से, इनके रोग से, इनके हर उस बोझ से जिससे ये दबे हैं मेरे परमेश्वर, आज ये फ्री हो जाए, आज ये चंगे हो जाए, आज से ये चंगे हो जाए, आज से हर वो पाप का दर्द इनको छोड़कर चला जाए। जो जो चाहते हैं आज 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 परमेश्वर बोल रहा, जो आप चाहते हो वो होगा। आज आप जो चाहते हो वो होगा, परमेश्वर बोल रहे हैं। आप जो चाहते हो वो होगा, आप जो चाहते हो वो होगा। आपके मन में जो भी चाहते हैं परमेश्वर आपकी पूरी करने को तैयार है। आप अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय प्रभु के लिए खोल दो। आज से आप जीने का एक फैसला लो, आपके मन को परमेश्वर की ओर फिराओ, और परमेश्वर भी आपके साथ अपने काम को करने के लिए तैयार है। आप अपने मन को फिराओ और परमेश्वर आपके पास खड़े हैं। आप अपने मन को फिराओ और बोलो, अपने हर एक पाप को मान लो। आज अपने हर एक गुनाह को मानो कि मैं पापी था मेरे परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत से गुनाह किए, पाप किए, पर तू वफादार है, तू माफ करने वाला परमेश्वर, मुझे आजाद करने वाला परमेश्वर। मुझे आजाद कर, मुझे फ्री कर मेरे परमेश्वर, मुझे आजाद कर, आजाद कर, आज आज आजाद कर मेरे परमेश्वर, मुझे आजाद कर, आजाद कर। तेरी आजादी मेरे जीवन में आए, तेरी आजादी मेरे जीवन में आए, जिसके लिए तू प्रभु दुनिया में आया, आज तेरी आजादी मेरे जीवन में आए। आज से मेरा जीवन ब्लेस हो मेरे खुदा, मेरे बच्चों का, मेरा घराना ब्लेस हो मेरे खुदा। आज से मेरे जीवन के दिन बढ़े, तेरी शांति के दिन बढ़े, मेरे घर में आपकी आशीष बढ़े, हर प्रकार की परेशानी मेरे घर से जाए, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे पति के जीवन से आज हर रोग मिट जाए। थैंक यू फादर। करते हुए धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर कि आप आज मुझे आप आज अपने बोझ से फ्री कर चुके हो, आज मेरा बोझ ले चुके हो। मैं आज से फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ मेरे परमेश्वर, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। बोलो मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ अपनी परेशानी से, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। कलाम सुन के ते ईमान करदा है।
पहले नु देख ले ओ कौन है भाई तू कौन है तू ओ तेरी कौन है बोल इधर देख ओ कौन है तू की नाम है तेरा बोल 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 की नाम है तेरा बोल 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 हट बंद 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 बोल 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 की नाम है तेरा मेरा नक्षत्र बाला कुत्ते इतने की करना है हैं क्षेत्र पाणिया इतने तेरा की कम है हैं दादा नहीं है बोल क्यों फड़िया इनू हैं मैनू मन जाए मैं हट जूंगा अच्छा तेनू मन्ने ते हट जे ए जेदी बेटी आई उन्हें इन्हें मन लिया है हुण तेनू जाना पैना है बोल नहीं जाऊंगा अच्छा नहीं जाऊंगा मैं क्यों नहीं जाएगा हैं पता यीशु मसीह दा पता कि नहीं पता बोल नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा अच्छा देख ले हैं यीशु मसीह नूं जानदा कि नहीं जानदा हैं बोल जानदा जानदा बोले जानदा बोले जानदा तेनू पता है परमेश्वर दी बेटी है बोल 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 देख तेरे सामने कौन है अखा खोल खेत्रपाल इधर देख तेरे सामने इधर देख तेरे सामने कौन है देख 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 कौन इधर देख इधर इधर देख इधर देख 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 इधर अखा खोल देख मेरे सामने नहीं खोलूंगा तो तू तो डरदा है फिर हैं तू तो कहना मैं डरदा नहीं कैसे तू हैं देख कौन देख कौन वेक वेक तेरे सामने कौन है देख अच्छा इन्हें नहीं मनना मैं मनूंगा अच्छा हुण तेनू हाडी गल मननी पैनी है लागी समझ लगी कि नहीं लगी इन्हें जिन्हू मनना सी इन्हें मन लिया है हुण तेनू साडी गल मननी पैनी है लागी समझ बोलदा कि नहीं बोलदा तेनू पता ना तेनू मननी पैनी है बोल बोल नहीं मनूंगा मनूंगी मनूंगा हैं मनूंगी तो मनूंगा अच्छा तू साड़ी नहीं मनेगा बोल देख इधर देख अखा खोल खोल अखा खोल खोल अच्छा देख तेरे सामने कौन है तेरे सामने देख 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 कौन है देख देख कौन है रब दा दास हैं दास जानदा है कि मैं किदा दास हां तारीफ करांगे प्रभु दे नाम दी चल ए मसीह दी शरीर है मसीह दा देह आ अते तैनूं मैं प्रभु दा दास होण दे नाते हमेशा दे लई इहदी बॉडी च जाण दे लई आग्या करदा हां कदी भी दोबारा ये शरीर च प्रवेश नहीं करना ये प्रभु की बेटी है अस तो तेन मैं कमांड करदा प्रभु दा दास होने के नाते छड इस शरीर नू और चला जा चल आओ चल छोड़ चल चल शैतान चल यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं तुझे छोड़ छोड़ इसकी बॉडी को चल छोड़ Chut, chut, out, be free, thank you, Father. Bolo Parmeshwar tada dhanwad. Yeshu Masih de naam ch. Amen, tarif karange prabhu ke liye. Jeda paak rudi gale mane da, te khuda to dari da. Oh, dear.
बोले उस खुदा पे कितने लोग ईमान करते हैं? सब करते हैं? जितने लोग विश्वास करते हैं, ईमान करते हैं, उनको सबको खुदा छू चुका है। अगर आज से आप अपना मन फिराओगे और प्रभु के साथ जियोगे, जो आपने सोचा नहीं वो खुदा करने वाला है। बोलो, रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी बड़ी देर से पहुंचती है। बोलो, बड़ी देर नाल पहुंचती है, पर असी नहीं है। बोलो, असी असी पूरे साहसी और उद्यमी बनना, आत्म विश्वासी, समझते हो? आत्मा नाल परे होए। बोलो, कादे नाल? आत्मा नाल परे होए, समझते हो? यूहन्ना लिखिया बपतिस्मा देन वाला उजाड़ विच आत्मा नाल भरिया आया गया। अगर आत्मा नाल भरिया ना होंदा तो उन्हें जाना नहीं सी। कित्थे सी? आत्मा नाल भरिया सी। जो तुसी अपने आप नूं आत्मा नाल भरना शुरू कर दोगे, तुसी जो चाहोगे वो होएगा। बोलो, जो चाहोगे वो होएगा। और मैं फिर कह रहे हैं कि इस थर्सडे वीरवार की मीटिंग जिहड़ी असीं इवनिंग करते हैं, उहदे विच जिन्ने भी लोग जिन्हें लगती मैनूं कटी आ कमी आ, वो जरूर उच्चारण। आमीन।